जैसे मनीष कश्यप करोड़ों लोगों के हीरो हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार में कई लोगों के हीरो हैं। नहीं, हीरो नहीं है, तेजस्वी यादव जी कई लोगों के विलन हैं। बिहार में नीतीश कुमार ठीक है, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जरूरत? राजनीतिक बातें करूं या सीधे कट टू कट बोलूं? तेजस्वी कैसे इंसान है? 9वां तक पास नहीं कर पाए, और वैसे लोग जो है लालू परिवार में पैदा हो गए। लालू जी के लाल नहीं होते तो अभी पंजाब में या दूसरे राज्य में जाके घास काट रहे होते। बीजेपी ने दो तरह के सर्वे करवाए थे। पहला सर्वे चंपारण पे हुआ था, आप वहां से बीजेपी को हरा दे रहे थे। आप जीत रहे थे या नहीं इस बात पे उन्हें शक था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार रही थी, पहला बीजेपी के झुकने की वजह। दूसरा सर्वे बीजेपी ने यह करवाया था कि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए बिहार के भीतर सबसे बढ़िया हथियार मनीष कश्यप। जब सिस्टम उन्हें पागल बना देता है तो वो लोग इस पगला मनीष कश्यप को याद करते हैं और मेरे जैसे लोग उनकी मदद करते हैं। बीजेपी और राजद का कभी ऐसा गठबंधन हो गया, आप क्या अपने सिद्धांतों पे ही चलेंगे? आपकी ज्वाइनिंग जो है मनोज तिवारी यहाँ दिल्ली में कराते हैं आकर के, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं, क्या मतलब प्रदेश की जो पार्टी है, प्रदेश बीजेपी जो है, वहाँ पर कोई परेशानी ना हो जाए या वहाँ कुछ दिक्कत हो रही थी कि पटना में ज्वाइनिंग नहीं हुई? इस सवाल के तह तक मैं नहीं पहुँच सकता या मुझे उतनी जानकारी नहीं होगी। तो इंटरव्यू में अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो फिर से, ये कितना पेज है, मैं खड़ा हो सकता हूँ ना? नहीं नहीं, अभी एक अभी दो प्रश्न का बाकी है, देखिए। ये देखिए, बाप रे बाप, इतना बड़ा, अरे ये तो नहीं है, नहीं कैसे नहीं है, क्या बात करते हैं, बाप रे बाप, ये देखिए टोटल 47 सवाल थे। ये देखिए, बाप रे बाप, 42 43 44 45 46 47। बताइए तो तेजस्वी यादव जी कहियो सत्ता में आएंगे क्या? आप चाहते हैं कि नौवा फेल जो है सत्ता में आए? आप क्या, यही कारण है कि आपने तय कर लिया कि भाई अब ब्याह ही नहीं करेंगे? मनीष की जिंदगी की वो कहानी जानना चाहते हैं जो शायद आज इंटरनेट पर न मिले आपको, वो सच्चाई जिसे आप तलाश करने जाते होंगे पर आप ढूंढ नहीं पाते होंगे। हमारे स्टूडियो में मनीष कश्यप हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम दोनों एक उम्र के हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा यंग हूँ। यंग है? हाँ, बाल पक गया है लेकिन मैं यंग हूँ शायद से, अगर आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? आप अपना बता दीजिए फिर मैं अपना बता दूंगा। मेरी 7/7/93। तो मेरा वही आपसे थोड़ा सा छोटा होगा, अब बताऊंगा नहीं। अब मनीष, कहानी आपकी पूरी बहुत दिलचस्प हो गई है और अब तो किताबें भी आप पर छपेंगी आने वाले वक्त में। शुरू करते हैं कि शुरुआती दिनों के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बिहार का एक जिला है चंपारण, जिसने क्या क्या किया है इतिहास के पन्ने में चंपारण के बारे में दर्ज है। वहाँ का एक गांव है महानवा डुमरी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ जो बाढ़ पीड़ित गांव है। वहाँ से मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, फिर जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है उसमें पढ़ाई किया, फिर बिहार से निकल के मैं पूना गया, वहाँ पे इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग के बाद बिहार आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वायरल होता है, लोग मुझे पसंद करना शुरू करते हैं, यूट्यूब चैनल चालू किया, सरकारों से सवाल किया, कुछ सरकारों को बुरा लग गया, जेल में गया, 11 मुकदमे एक बार हुआ, लगातार 11 मुकदमे एक बार। उन सारे मुकदमों में जो है NSA मेरे ऊपर से हटा दिया गया, सारे केसों में जो है मेरी रिहाई हो गई, मैं वहाँ से जो है बाइज्जत बरी हो गया, जो बिहार में केस रजिस्टर्ड हुआ था उस दौरान उसमें। और उसके बाद से जो है मैं चुनाव लड़ने का घोषणा किया, निर्दलीय मैं चुनाव लड़ रहा था, फिर मुझे वो सम्मान मिला जिसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये छोटी सी कहानी मेरी है। नहीं, आपको मनीष, मतलब मैंने कहा कि पहले से आम इंसान होता है उसे लोग गांव में मोहल्ले में जानते हैं, फिर आप स्कूल गए कॉलेज गए तो उन दिनों ऐसा मुझे, क्या हुआ? मैं न्यू कॉलोनी में रहता था जब बेतिया, तो वहाँ के लोग भी मुझे नहीं जानते थे। जब मैं अपने गाँव में था तो मेरे गाँव के लोग भी मुझे नहीं जानते थे।
कि आखिर ये है कौन, नहीं जानते थे सच कहूँ तो। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं आया तो गांव के ही कुछ लोग कहते थे, मेरे पिताजी का नाम, गांव का नाम जो है मुन्ना है, तो कहते थे मुनुआ के बेटा पगला गया है, बाबूजी ने इतना खर्च किया। मेरे पिताजी जो है नौकरी करते थे और उसका सैलरी का सारा पैसा मुझे इंजीनियरिंग कराने में और मेरे भाई को MBA कराने में उन्होंने खर्च कर दिया। मेरा भाई यही GL वजह से इंजीनियर MBA किया। MBA का फीस भी क्या लगता है वो आप सभी को पता है। इंजीनियरिंग का फीस क्या कितनी लगता फीस है वो? थी? क्या कितनी फीस कितनी थी? उस समय शायद से 2 लाख रुपया सालाना था और इंजीनियरिंग का मेरा जो है 1.5 लाख रुपया के आसपास सालाना, फिर हॉस्टल में रहना, उसका खर्च, सारी चीज़ें जो है, तो उनका जो सेविंग था वो हम लोगों को पढ़ाने में पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद से जब मैं पढ़ाई किया, मैं नौकरी किया, नौकरी छोड़ के जब बिहार गया तो लोगों को लगने लगा, अरे अगर नौकरी कर रहा होता तो अच्छी लड़की से शादी हो जाता, दहेज भी ठीक ठाक मिल जाता, ये मुनुआ का बेटा पगला गया, आके जो है सड़क पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि सरिसवा में मैं एक जगह वीडियो बना रहा था तो एक मतलब कि 55-60 साल के व्यक्ति जो है स्कूटी से जा रहे थे और बोल रहे थे कि आजकल जो है सब पगला गया है सब, देखिए ना 500 रुपये का माइक उठा के वीडियो बनाना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर जो वो रोड जो टूटा हुआ था सरिसवा बाज़ार में, आज सरिसवा के सारे लोग जानते हैं, पोखरा के पास बारिश के समय में टूट गया था, 24 घंटे के अंदर उसको भर के प्लेन कर दिया गया। तो ये है हम लोगों का संघर्ष, जब लोग पागल कहते थे और आज है कि आज कभी लोगों को समस्या होता है हमारे गाँव में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जब सिस्टम उन्हें पागल बना देता है तो वो लोग इस पगला मनीष कश्यप को याद करते हैं और मेरे जैसे लोग उनकी मदद करते हैं। तो पत्रकार तो पत्रकार होता है मनीष, मैं पत्रकार कभी था ही नहीं। ये क्रांति कहाँ से आई? मैं पत्रकार कभी था ही नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यूट्यूबर था। चूँकि मैं जेल जाने से पहले मुझे इस बात का भ्रम था कि मैं पत्रकार हूँ और मैं कहता भी था, कोई पूछता था कि क्या है आप, तो मैं रिपोर्टर हूँ, मैं कहता था और मुझे अच्छा लगता था कि मैं रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ। जब जेल गया तो मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। और जेल से निकलने के बाद जब बड़े बड़े चैनलों में बड़े बड़े पत्रकारों ने मुझे पत्रकार कहा तो मैंने क्लियर किया कि भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने स्पेसिफाई किया तो मैं यूट्यूबर हूँ। तो ये क्रांति कहाँ से आई आपके अंदर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे परदादा जी, कल ही मैं एक चैनल पे बोल रहा था तो एक डिबेट में जो है एक महिला थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, राजद की प्रवक्ता थी, वो बोल रही थी क्या कि स्वतंत्रता की लड़ाई में इन लोगों का क्या योगदान है, राजद की प्रवक्ता थी, तो लालू परिवार का स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या योगदान है वो मुझे कह रही थी, लालू परिवार के स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या योगदान है वो बता दे और मेरे परिवार का स्वतंत्रता में क्या योगदान है मैं बता देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1972 में मेरे परदादा जी को सम्मानित किया था, स्वतंत्रता सेनानी का जो ताम्र पत्र मिलता है वो मिला था। तो हमारा परिवार जो है देश के लिए क्या किया है वो सबको पता है। और तो मैंने कुछ बोला तो बोली कि धरने पर बैठ जाऊँगी, तो ठीक है वो मेरी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पार्टी की उन्होंने बात रखा, लेकिन हाँ हम लोगों ने देश के लिए क्या किया, हमारे परिवार ने क्या किया है वो सबको पता है। उसके बदले में राजद परिवार और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी ने क्या किया, मैं 30 लाख रुपया टैक्स दिया, मैं अपना इंडिविजुअल, मेरे पार्टनर का और मेरे कंपनी का, यूट्यूबर होने के नाते उतना टैक्स किसी यूट्यूबर ने पूरे भारत में नहीं दिया। बदले में बिहार सरकार ने मेरे साथ क्या किया, उस समय राजद की जो सरकार थी उसने क्या किया बदले में, मुझे जेल में डाल दिया। अब जरा बताइए, जो लड़का जो है गरीबों की आवाज़ उठाता था, सिस्टम से लड़ता था, लोगों के समस्याओं का समाधान करता था, उसको जेल में डाल दिया गया, NSA लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हुई मेरे साथ। और जब मैं जेल से निकला तो मुझे लगा कि सिस्टम में घुसना ज़रूरी है, अगर सिस्टम में नहीं घुसेंगे तो ये सिस्टम जो है हम लोगों को मसल के रख देगा। जेल में जब थे तब आपको लगा कि सिस्टम में घुसना पड़ेगा? एकदम बिल्कुल, जेल में था तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिस्टम जो है अगर उसमें नहीं घुसेंगे तो हम जैसे लोगों का गुजारा नहीं होगा, ये लोग जो है हमें बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ आपको ही लगा था मनीष? मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जब आप बेऊर जेल में जब आप थे वहाँ पर तो BJP की तरफ से कोई आपसे मिलने के लिए जा रहा है? सब पूरे देश को पता है। मनोज तिवारी, प्रक्रिया कैसे शुरू हुई मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। मनोज तिवारी भैया मिलने जा रहे थे
और मेरा 7 दिन हो गया था और पूरा डेटा रहता है ब्योर में, तो उनका अगर देखा जाए तो 7 दिन हो गया था, उसके बावजूद मुझे मनोज तिवारी भैया से नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे लोगों से मुझे नहीं मिलने दिया जाता था। मैं जेल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर सरकारें चाहती है कि देश का खूब तरक्की हो और अपराध की घटनाएँ कम हो, तो जेल में जो है मानवाधिकार आयोग की एक टीम हमेशा बैठी रहनी चाहिए और जेल को अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। जेल में इतने गरीब परेशान हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जैसे मैं एक चैनल में बोल दिया कि जेल में कैदियों को मोबाइल की सुविधा दी जानी चाहिए, बड़े चैनल में बोला तो लोग हंसने लगे। अरे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रियों के जेल में जो है मोबाइल की सुविधा है, लैपटॉप की सुविधा है, अलग आप जो है स्विगी जोमेटो जैसे एप्लीकेशन से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी सुविधा है। जब तक आप कन्विक्टेड नहीं है, जब तक कोर्ट ने सजा नहीं दिया है, मान लीजिए मैंने 9 महीना जो है जेल का यातना सहा और बाद में कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो मेरा 9 महीना तो वो सजा में चला गया ना, मेरा वो कौन लौटा के देगा। जेल में मोबाइल इसलिए दिया जाना चाहिए, उसमें 4 या 5 नंबर को रजिस्टर कर दीजिए, 6ठा नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते हैं, और आप अगर किसी को मैसेज भी करते हैं तो वो सारा डिटेल्स जो है जेलर और सुपरिटेंडेंट जेल प्रशासन के पास रहेगा। और उसके बाद से क्या होगा कि जब आदमी जेल में जाता है तो डिप्रेस हो जाता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो परिवार से कनेक्ट हो जाए या अपराधियों के संगत में चले जाए, वहाँ पर अपराधी भी रहते हैं। तो वो परिवार से कनेक्ट कब होगा, जब उसके पास मोबाइल होगा, फ़ोन करेगा, परिवार वालों से बातचीत करेगा कि भाई गलती हो गया, अब निकलना ज़रूरी है, निकलेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। परिवार वाले भी कहेंगे कि तुमने गलती किया है, अब ऐसा मत करना, तो वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप जो है उसको मोबाइल, जैसे सबसे पहले जेल में जब पंखा आया था तो उस समय बवाल हुआ था कि पंखा क्यों दिया जा रहा है, कोई आत्महत्या कर लेगा, सही है कि नहीं है, जेल में आत्महत्या कर सकता है। तो भाई रोड पे ट्रक क्यों चला रहे हैं, ट्रक से भी तो एक्सीडेंट हो जा रहा है, ट्रक को हटा दीजिए, ट्रेनें एक्सीडेंट हो रही है, हवाई जहाज़ जो है एक्सीडेंट हो जाता, क्यों? तो हर चीज़ का निगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। तो जेल में मूलभूत सुविधा सबसे पहले दी जानी चाहिए। अगर भारत को आप चाहते हैं कि भारत में अपराधी कम बने, अपराध की घटनाएँ कम हो, और हाँ वो मोबाइल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वो किससे कब और किस प्रकार से बात कर रहा है। तो जब आप जेल के भीतर थे, मैं जेल पे ही आ जाता हूँ पहले, हाँ, जब आप तमिलनाडु की जेल के भीतर थे तो आपके परिवार से जब कोई मिलने जाता था तो आप अपनी माँ को बहुत याद करते थे, और आप अपनी माँ को बहुत याद करते थे, और आपने ये भी कहा था कि यहाँ तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लगता है बचेंगे नहीं। आपने अपने भाई को जो बात बताई थी, आपके भाई ने जब आया बिहार, वो जब पहुँचे तो आपने ये बताई थी, ये कहानी क्या थी? आप जेल में 14 kg मेरा वजन कम हो गया था, मेडिकल हमेशा होते रहता है, उसमें जेल में डिटेल्स होगा सारी चीज़ें। और मेरा 85 kg वज़न था जेल जाने से पहले, जब मैं पहली बार सरेंडर किया उसके बाद से जो मेडिकल हुआ जो, उसमें 85 kg वज़न था। जब मैं मदुरई सेंट्रल जेल से बेऊर आया उस समय मेरा 71 kg, मतलब कि 14 kg वज़न कम हो गया था। खाना ऐसा कि वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, हर चीज़ में जो है इमली का पानी, दही का पानी से जो है आपको चावल खाना है उसमें नमक डाल के ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ के लोगों के लिए वो खाना सही है। जैसे हम लोग जो है लिट्टी चोखा खाते हैं, हम लोग चावल रोटी दाल खाते हैं, अगर ये चीज़ें जो है वहाँ के लोगों को दिया जाए तो उनको समस्या होगा। तो मुझे लगने लगा और लोग भी कहने लगे कि शायद मनीष कश्यप 4-5 साल तक जेल से बाहर नहीं आएगा, तो मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन तेजस्वी जी ने बर्बाद कर दिया, मुझे लगने लगा कि अब मैं जेल से नहीं निकल पाऊँगा। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि अब मतलब कि मनीष कश्यप ख़त्म यहाँ से, लेकिन फिर अनेकों माओं का आशीर्वाद, अनेकों लोगों का साथ, अनेकों लोगों का प्यार, और उन आशीर्वाद साथ और प्यार ने मुझे बचा लिया और 9 महीने के अंदर मैं जेल से बाहर निकल गया। तो जेल में जब आप थे तो आपको ये पता था मनीष कि आपके लिए बाहर बहुत आंदोलन चल रहा है, बहुत से चैनल्स आपके सपोर्ट में थे, या बहुत आपके भाई बंधु बहुत वहाँ पे? कुछ नहीं पता था। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया से जेल के कैदियों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, पहला चीज़। मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, दमदार तरीके से आवाज़ उठाऊंगा, कोई अच्छा माने बुरा माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कन्विक्शन रेट 2% है पूरे भारत में, कितना परसेंट? 2%, यानी 90% लोग तो फ्री में जो है सज़ा काट रहे हैं ना, 2% 100 में से 2 लोगों को सज़ा हो रहा है, 98 लोग फ्री में जा रहे हैं जेल और निकल जा रहे हैं, उन 98 लोगों की बात कोई करता नहीं है, कैसे हम समाज को बदलेंगे आप बताइए? ये बातें जो है बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ चैनलों पे क्यों नहीं होता है? कन्विक्शन रेट सिर्फ 2%, 98 लोग फ्री में जाके जेल में सजा काट रहे हैं,
वहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए, मोबाइल की व्यवस्था होनी चाहिए, टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, अखबारों की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का ग्राउंड होना चाहिए वहाँ पे, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए जेल में। हालांकि कुछ राज्यों में इनमें से कुछ चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में नहीं है। अगर आपको लगता है, पहले पंखा पे मैंने बोला था कि पंखा से लोगों ने लगा कि आत्महत्या कर लेगा, पंखा के बाद जो है पहले लाइट आया, बल्ब आया, तो लोगों को लगा कि करंट लगवा देगा अपराधी एक दूसरे को, लाइट आ गया जेल में, फिर पंखा आया तो लोगों को आत्महत्या कर लेगा, फिर जेल में अखबार आया, लाइब्रेरी आया, आज टीवी आ गया, टीवी तक जेल में आ गया। जब टीवी भी आया तब तो भी लोगों ने सवाल किया था कि कैदियों को अब फिल्म दिखाया जाएगा, कैदियों को अब सीरियल दिखाया जाएगा, न्यूज़ दिखाया जाएगा। कैदी को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, वो लाल चार दीवारी के अंदर आप उसको कैद कीजिए, ये सही है, अगर वो गलत कर रहा है तो कैद कीजिए, लेकिन बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर दीजिए कि तुमने गलती किया, देखो तुम यहाँ पे हो और बाहर की दुनिया कहाँ चली गई, बाहर में दुबई बन गया, बुर्ज खलीफा बन गया, बाहर के लोग जो है हवाई जहाज से घूम रहे हैं, बाहर में सोशल मीडिया पे जो है इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम यहाँ पे भुगत रहे हो, तुम ये सब काम नहीं कर पा रहे, कनेक्ट कीजिए उसको, तब उसको लगेगा और वो बाहर निकलेगा तो गलती नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जेल में बंद कैदियों के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाता रहेगा और मैं चाहता हूं कि वहां पे सुधार हो। जब किरण बेदी ने जेल के अंदर अनेकों प्रकार का सुधार जब किरण बेदी कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने किरण बेदी जी का विरोध किया था। तो जेल के अंदर के कैदियों की भी बात होनी चाहिए। अगर सभ्य समाज में हम लोग सभ्यता की बात करते हैं तो जेल के अंदर के कैदियों की भी बात हम लोग प्रमुखता से करें। तो जेल मतलब आप किस वजह से गए, मतलब ये अब तो आप वो तो सबको पता है, ठीक है कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था और तेजस्वी जी चाहते हैं कि बिहार में सारे लोग मजदूर बने, नौवा क्लास से ज़्यादा अगर कोई पढ़ लेगा और अगर वो बिहार में रह जाएगा तो तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार या तो उस नौवा क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देगा, नहीं तो जेल में डाल देगा और नहीं तो बिहार से भगा देगा। हमको ये तीनों चीज़ में कोई मंजूर नहीं था, हम आवाज़ उठाते थे उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो नौवा फेल है, सर्टिफिकेट दिखाए नौवा वो फेल है। एक वो मंच पे कह रहे थे तेजस्वी यादव जी, देखिए मेरी माँ मुख्यमंत्री, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, मैं भी फर्जी सर्टिफिकेट ले सकता था। अरे यार, कहने का मतलब ये तुम कह रहे हो कि मेरी माँ और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे और तब हम नौवा नहीं पास किए, यानी आप लोग नौवा पास मत कीजिए। ज़रा सोचिए, उन लोगों के प्रकोप के वजह से मनीष कश्यप जेल गया। उसके पहले मनीष कश्यप कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था, एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे कि मैंने तेजस्वी जी के खिलाफ बोला हूँ। FIR होने से पहले मैं राबड़ी जी के आवास में जाके तेज प्रताप जी का मैंने इंटरव्यू भी किया था, लेकिन उन लोगों को नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को एकदम कि बिहार का तरक्की हो, बिहार की भलाई की कोई बात करे और बिहार के विकास पे कोई बात करे, इसलिए उन लोगों ने मुझे जेल में डाला। तेज प्रताप तो आपके खिलाफ बोल नहीं रहे थे, तेजस्वी अकेले बोल रहे थे, तेज प्रताप दोनों भाइयों में राय अलग अलग थी। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई भाई में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उन लोगों का प्रेम संबंध बना रहे और जीवन भर बना रहे, लेकिन तेज प्रताप मित्रता का भी फर्ज निभाए। मैं उनका इंटरव्यू किया था 15 दिन पहले राबड़ी जी के आवास में, और भाई का भी फर्ज निभाया, उन्होंने ना मेरे तरफ से बोला ना भाई के तरफ से बोला। तो तेज प्रताप जी सुलझे हुए अच्छे इंसान हैं, हालांकि कुछ लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं वो अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है। तेजस्वी कैसे इंसान है वो आपको भी पता है कैसे इंसान है। अगर हम आपसे पूछना चाहते, एक सवाल आप सारा सवाल मुझसे पूछ लीजिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, लालू जी के लाल नहीं होते तो अभी पंजाब में या दूसरे राज्य में जाके घास काट रहे होते, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, या मजदूरी कर रहे होते या बोरा ढो रहे होते, नौवा तक पास नहीं कर पाए तो जरा बताइए वो क्या कर रहे होते। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं उस विधानसभा में है हिम्मत तो तेजस्वी जी जो है लोगों से पूछ के बता दे कि आप मेरे काम से संतुष्ट हैं कि नहीं, जाते तक नहीं है। उस विधानसभा के लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि तेजस्वी जी को हम लोग जिता के जो है गलती किए, वहाँ के यादव और मुस्लिम भाई फ़ोन करके कहते हैं कि तेजस्वी जी को हम लोगों ने जिता के गलती किया, विश्वास था कि ये कुछ काम करेंगे, एक काम तक अपने विधानसभा के लिए तेजस्वी जी ने नहीं किया, जरा सोचिए। और वैसे लोग जो है लालू परिवार में पैदा हो गए, लालू जी मुख्यमंत्री बने संघर्ष करके, ये बात सही है,
लेकिन लालू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमान यादव और साथ में बिहार के गरीबों को और बिहार को ठगा, ये भी बात सही है। लेकिन लालू जी के अलावा तेजस्वी जी का पहचान क्या है? कुछ नहीं है। तेजस्वी से रिलेटेड हमारी सहयोगी नंदनी के पास एक सवाल था, वो आपसे पूछना चाहती, चूंकि अब आप सियासत में आ गए हैं। नंदनी जी किधर है? अभी आ रहे हैं नंदनी पे। आप सियासत में आ गए, अब आप सियासत में आ गए। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बच्चों की कसम खा के कहते जी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। हाँ। नंदनी अब इसके आगे वही आपसे एक सवाल पूछना हाँ। चाहती है। मुझे लग ही रहा है कुछ कड़वा ही बाउंसर फेंकने वाली है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल भारत में। अच्छा सवाल कीजिएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी हमेशा से प्रतिक्रिया सुनी जाती है तेजस्वी यादव पर, है ना, तो राजनीति में ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो मेरा ये सवाल है कि सपोज कभी अगर बिहार में बीजेपी और राजद का कभी ऐसा गठबंधन हो गया तो आप क्या अपने सिद्धांतों पे ही चलेंगे? उस गठबंधन का हिस्सा मनीष कश्यप नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब आप फिर छोड़ देंगे? इस वीडियो को आप रख लीजिए जी। उस गठबंधन का हिस्सा मनीष कश्यप कभी नहीं बनेगा। जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार के लोगों की हत्याएं की, बिहार में अपहरण को धंधा बना दिया, बिहार के भोले भाले लोगों को जो है मजदूर बना दिया, उन लोगों के साथ मनीष कश्यप कभी नहीं खड़ा हो सकता है, कभी नहीं, और किसी भी हाल में जो है नहीं। एकदम लिख के रख लीजिए इस वीडियो को, डिजिटल ज़माना है, ये हमेशा जो है HD फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके जो है सेव करके रख लीजिएगा। थैंक यू सर। एक सवाल, जब से आप बीजेपी में आप गए हैं, क्योंकि पहले आप पीला पहनते थे, अभी भगवे और पीले का कॉम्बिनेशन हो गया आपके साथ। नहीं, भगवा तो मेरा भगवा कुर्ता पैजामा में सबसे ज्यादा फोटो वायरल हुआ है। मैं कहीं भी जाता हूँ, अब मंदिर में जाता हूँ तो सवाल पर भी आएंगे। हाँ, सवाल पर भी आएंगे, हमने उस सवाल को भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत अभी पीछे है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भगवा भी हमारा है, पीला भी हमारा है और हरा भी हमारा है, क्योंकि हमें हर रंग पसंद है। कुछ लोगों के लिए जो है ये रंग जो है, मतलब कि कुछ लोगों के लिए ये रंग जो है कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धरती का हर एक रंग जो है हम सनातनियों को, हम भगवाधारी को, हम भाजपाइयों को, हम राष्ट्रवादी लोगों को पसंद है। जब से आप बीजेपी में आप गए हैं, तब से सोशल मीडिया पे और बिहार के कुछ नेता आपके पीछे एक एजेंडा चला रहे हैं, या वो कह रहे हैं, कौन से पार्टी के नेता हैं भैया? वो कह रहे हैं कि अरे नौवा क्लास फेल के पीछे जो है दौड़ने वाले नेताओं की मैं नहीं सुनता हूं। वो लोग किस पार्टी के नेता हैं ये स्पेसिफाई तो कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं गया हूं, बीजेपी के तो नेता हो नहीं सकते हैं, जदयू हमारे गठबंधन के नेता हो ही नहीं सकते हैं, यानी महाठगबंधन के नेता होंगे वो लोग, और महाठगबंधन के नेताओं को तो ऐसे ही मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि वो लोग ठगी करने का काम करते हैं और मनीष कश्यप जो है उनकी सच्चाई लेके आता है, तो उनको कहाँ से पसंद आ जाऊँगा। अरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि चलना ही है तो मोदी जी के पीछे चलिए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पीछे चलिए, मनीष कश्यप जैसे इंजीनियर के पीछे चलिए। आप जो है चल रहे हैं नौवा जो पास नहीं कर पाया उसके पीछे, तो अगर उसके पीछे चलेंगे तो आपके भी बच्चे जो है नौवा क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर चाहते हैं आप आपके बच्चे IAS IPS बने, बड़े पद पे जाए, अधिकारी बने, तो कम से कम उस नौवा फेल के पीछे चलना बंद कर दीजिए। नौवा फेल कौन है? कौन है, कौन नहीं जानता है, यूनिवर्सल नौवा फेल एक ही आदमी है। नौवा फेल तो बहुत सारे लोगों में, जैसे यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को बोला जाता था क्रिकेट में, बोला जाता है ना, तो यूनिवर्सल नौवा फेल एक ही आदमी है, लालू जी के लाल तेजस्वी यादव। सर्टिफिकेट तो है उनके पास नवी फेल का? हाँ, उनके पास है, उनसे पूछिए कि नौवा पास हुए थे कि नहीं हुए थे, वो खुद ही जवाब देंगे, उनसे ही पूछ लीजिए ना। हमारे पास इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स आया था, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर सिविल ब्रांच GH रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पूना यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन पास। और हाँ, एक और चीज, पूरे कॉलेज में सिविल डिपार्टमेंट में पहला प्लेसमेंट मनीष कश्यप का हुआ था। तेजस्वी यादव के सामने में विधानसभा के भीतर मनीष कश्यप को देख रहे हूँ क्या कुछ सालों बाद? बहुत जल्द देखने जैसे को मिलेगा, मेरे सामने बोल रहे हैं, बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्यों नहीं, एकदम। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपना बिजनेस को जो है बड़ा करूंगा, तो ठीक है, बहुत अच्छा सोच है आपका, आप 100 रुपया से जो है 100 करोड़ तक पहुंच गए, एकदम हम आपके साथ हैं।
अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं कोई लड़का, तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर नेता बनना चाहते हैं और नेता में अगर कह दे कि मैं अच्छा नेता और बड़ा नेता बनना चाहता हूं, तो लोग कहना शुरू करते हैं कि इसका महत्वाकांक्षा है। भाई ये दोहरी मानसिकता क्यों? मैं भी चाहता हूं भाई, मैं भी जाऊंगा, मैं भी आवाज उठाऊंगा, एकदम बिल्कुल आवाज उठाऊंगा। ये कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। राजनीति को जो है अच्छे नजरिए से देखने की जरूरत है, नेताओं के सपनों को अच्छे नजरिए से देखने की जरूरत है। और जिस दिन जो है समाज के लोग जो है नेताओं को, राजनीति को अच्छे नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का स्वर्णिम युग जो है उस दिन से शुरू हो जाएगा। जब तक तेजस्वी सत्ता में है, आपको लगता है स्वर्णिम युग आएगा? अरे सत्ता में कहाँ है भैया, अरे मोबाइल देते हैं हम आपको, देखिए तो बताइए तो सत्ता में कहाँ है? अरे उनको गिरा के आए हैं हम, सत्ता से बेदखल करके आए, जेल से निकले बेदखल हो गए वो, आप बताइए ना कहाँ सत्ता में है? मैं इसी सवाल पे आना चाहता हूँ। मैं पहले बताइए, कहाँ सत्ता में आना चाहता हूँ? 2005 में लालू जी का दौर खत्म, और ई उप मुख्यमंत्री बन गए थे गलती से, मनीषवा निकल गया, इंजीनियरिंग कर दिया, इनका सत्ता खत्म। अब सत्ता में कभी नहीं आने वाले, कभी नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने दिल से पूछिए। देखिए लगाइए माइक, किधर है ग्लोबल भारत का, लेके आइए, बताइए तो तेजस्वी यादव जी कहियो सत्ता में आएंगे क्या? देखिए ये तो बिहार की जनता तय करेगी मनीष। आपका दिल कह रहा नहीं, आप चाहते हैं कि नौवा फेल जो है सत्ता में आए? आप चाहते हैं? आप ईमानदारी से कसम से बोलिएगा। पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए इस देश में, पढ़े लिखे नहीं आएंगे। आपने तो खुद ही क्लियर कर दिया, कहाँ से आएंगे? आप लोग चाहते हैं क्या कि नौवा फेल जो है सत्ता में आए? नहीं चाहता है कोई। देखिए डरिए के बोल रहा है लोग, लेकिन ना बोल रहा है लोग। देखिए ये सच्चाई है मनीष। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दो भविष्यवाणी आपकी बिल्कुल सटीक हो गई, एक पुल वाली भविष्यवाणी थी और एक तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी थी, एक दो अच्छी भविष्यवाणी हमारे लिए क्या करेंगे आप? बहुत जल्द आप लोग जो है टीवी चैनल पे आएंगे, बहुत जल्द, और खूब तरक्की करें आप लोग, क्योंकि आप जैसे नए जो यूट्यूबर्स हैं, जो स्टार्टअप किए हैं, उन लोगों को जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ना पक्ष की बात कीजिएगा, ना विपक्ष की बात कीजिएगा, एकदम देश की बात कीजिएगा, जनपक्ष की बात कीजिएगा। लोग कहता है ना कि पत्रकार को न्यूट्रल होना ज़रूरी है, पत्रकार को न्यूट्रल होना ज़रूरी नहीं है। पत्रकार को जो है जैसे गाड़ी में दो गियर होता है, एक फ्रंट गियर, एक बैक गियर, और तीसरा जो है न्यूट्रल होता है, फ्रंट और बैक के बीच में न्यूट्रल होता है। वैसे ही लोग बोलता है कि पत्रकार को जो है ना पक्ष की तरफ जाना चाहिए, ना विपक्ष की तरफ जाना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं, पत्रकार को हमेशा जनपक्ष की तरफ रहना चाहिए, जनता के पक्ष की तरफ रहना चाहिए। एनी टाइम जनता के हित के लिए आप लोग हमेशा बात करते रहिए ऐसे ही, और ये पूरा फ्लोर आप लोग ले लीजिए, 2-4-5 फ्लोर ले लीजिए, अच्छे ढंग से बात कीजिए, और टीवी चैनल खोलिए और खूब तरक्की कीजिए। एक जो है तेजस्वी यादव के लिए एक फाइनल भविष्यवाणी आप करिए, फाइनल, क्योंकि इन दिनों वो बहुत डरे हुए हैं कि बस मनीष कश्यप कोई भविष्यवाणी ना कर दे हमारे बारे में। बस एक बार आप बोले सरकार भरभरा के गिर गई, अगली बार विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं। कौन हरा रहा है? आप हारेंगे, जनता हराएगी। आप उनके खिलाफ कोई व्यक्ति किसी को नहीं हराता है चुनाव में, पब्लिक डिसाइड करती है, पब्लिक हराती है। मनुष्य लोग जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ? मुझे पार्टी मौका देगा तो एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। मैंने इस पे कई रिपोर्ट लिखी हुई थी कि अगर आप वहां से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत मुकाबले का। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं इस बार, अगली बार पार्टी अगर मुझे वहां पे मौका देगी तो मैं वहां से लड़ूंगा, और तेजस्वी यादव जी वहां पे हारेंगे, एकदम 100% अगर मुझे मौका मिला तो। पार्टी डिसाइड करेगी, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, और मेरा वहाँ घर नहीं है। जिस विधानसभा से वो लड़ते हैं वहाँ पे मेरा घर नहीं है, जातीय समीकरण भी मेरे फेवर में नहीं है वहाँ पे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टी जो है मुझे मौका देगी तो मैं जनता के हित के लिए वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और तेजस्वी यादव जी वहाँ पे हार जाएंगे। और इस बार तो अगला चुनाव जो भी होगा वहाँ से तेजस्वी यादव जी हारने ही वाले हैं। यही वाली क्रांति मेरे को सीखनी, कहाँ से सीखे हैं? बस बिहारी के बारे में तो आप जानते ही हैं, बिहारी अगर पॉजिटिव काम करें, बिहारी कभी कभी कुछ बिहार के नेता, कुछ हम बिहारी को नहीं कहेंगे, कुछ बिहार के नेता जो है निगेटिव काम करते हैं तो चारा खा जाते हैं, जिससे पूरा बिहार बदनाम होता है। अब इंसान के रूप में वो लोग पता नहीं कौन सा रूप ले लेते हैं, चारा कौन खाता है भाई? कभी देखे हैं किसी को? नेट पर सर्च मारिए कि दुनिया में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो चारा खाया हो, तो एक ही नाम आएगा। ठीक है, हम नाम नहीं रखना चाहते, नाम रख देंगे तो उनके समर्थक जो है बिलबिल आ जाएंगे, ऐसे भी उन लोगों का बीपी हाई है, सरकार से अभी बाहर हुए हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं। लेकिन बिहारी अगर
पॉजिटिव काम करना शुरू कर दे तो पहाड़ को तोड़ देता है। बिहारी अगर पॉजिटिव काम करना शुरू कर दे तो क्रांति लाता है, सत्याग्रह चंपारण की धरती से होता है, गांधी को महात्मा बना देता है, वाल्मीकि पैदा होते हैं, राम जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो है वो लव कुश ने बिहार की धरती पर रोका था। तो बिहारी की ताकत को पहचानने की जरूरत है। बिहारी जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लेंगे उस दिन पूरा बिहार जो है देश का नंबर वन राज्य फिर से बन जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए गुरु, बहुत पॉलिटिकल बातें हो गई, थोड़ा अब चलते हैं दूसरी तरफ। जब आपको जब परेशान किया जा रहा था बिहार में, जब आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आपको जेल में रखना चाहते हैं, तो आपको ख्याल आया था शादी का? आपका एक दो स्टेटमेंट मैंने, नहीं नहीं, आप जो है इस तरीके की बात चल रही थी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो मैं नौजवान हूँ, अगर बदला लेना ही था तो भाई कम से कम मुझे भी पैर पर खड़े होने देते, हमारी भी हमारी माँ लड़की देख रही थी हमारी शादी के लिए। बीबी का आशीर्वाद की अभी ज़रूरत मुझे नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन कर लेंगे, ये चीज़ है। तो माँ को तो बहुत तलाश रही होगी आप? अब माँ को कभी मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, अब जोड़ लेंगे, फोन लाइन पे जोड़ लेंगे। नहीं, डायरेक्ट मैं लेके आ जाऊँगा, दिल्ली जब भी आएंगी माँ दूसरी बार तो मैं लेके आ जाऊँगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा। गुरु क्लियर है शादी नहीं करेंगे आप? अभी तक तो क्लियर है, चूँकि देखिए समय देना पड़ेगा। जिस जो लड़की, एक लड़की जो है ना अपना पूरा परिवार छोड़ के आपके पास आती है और उसके लिए आप पूरा दुनिया बन जाते हैं, और जब आप पूरा दुनिया बन जाते हैं और समय नहीं देंगे ना, वो कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी, किससे अपना दुख दर्द सुनाएगी, किसके बाहों में जो है अपना सर रख के जो है प्यार भरी बातें करेगी, बहुत सारी चीज़ें। और जब समय नहीं देंगे तो उसको भी दुख होगा कि क्या सोच के मैं इसके पास आई थी और इसने मेरे साथ क्या किया। हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक लड़की जब पत्नी के रूप में एक पति को अपनाती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया सीमित हो जाती है और उसका पति ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। तो मैं अभी उस लायक नहीं बना हूँ, इसलिए मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचता हूँ। जिस दिन उस लायक बन जाऊँगा मैं सोचूँगा कि हाँ कम से कम एक दिन में 2 घंटे मैं अपने पत्नी को दे दूँ, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मैं अपने पत्नी को दे दूँ, महीना में कम से कम जो है 7-8 दिन मैं अपने पत्नी को दे दूँ, तब मैं शादी कर लूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। माँ के मतलब जब आप जेल में थे, आपको आपके माँ तक को मतलब माँ नहीं समझा गया, बहुत परेशान करने की कोशिश की गई आपसे, मुलाकात ना से प्रार्थना आप करूंगा। जब कोर्ट में पेशी के लिए जब कोर्ट में आप जा रहे थे उस दिन आपकी माँ से मुलाकात करवाने के लिए बहुत ही मतलब समस्याएं आई। हाँ हाँ, आप उस पर बयान भी आपने एक दिया था, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आपकी माँ लगातार बाहर से रो रही थी, मैंने शायद आप वीडियो नहीं देखे होंगे। मैं बाहर निकला तो मैंने वीडियो देखा जी, और मुझे बताया गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो आलोचक है, मेरे जो दुश्मन है, उनकी भी माँ कभी दुखी ना हो, किसी की भी माँ कभी दुखी ना हो, और मेरे आलोचक, मेरे दुश्मन जो लोग हैं वो लोग भी खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, किसी के माँ को परेशान ना किया जाए। अगर उसका बेटा निर्दोष है तो, दोषी है तो ठीक है, सजा दी जानी चाहिए, लेकिन निर्दोष है तो, मैं तो निर्दोष था। आवाज़ उठाने का गुनाह मतलब कि ये है कि आप NSA लगा दें, जेल में डाल दें, तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे साथ गलत हुआ। सोशल मीडिया पे जो लड़के विरोध करते थे उनकी भी माँ उनसे कहना शुरू कर दी कि नहीं बाबू, अगर कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, ये चीज़ें। तो किसी के भी माँ के साथ जो है इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अकेले लड़ रही थी, पूरा दुनिया को पता है, अकेले लड़ रही थी, पढ़ी लिखी मेरी माँ नहीं है। तो जब मैं जेल से निकला तो मैंने सोचा कि माँ की हर एक बात मानी जाएगी, एक बात को छोड़ के, और बाकी माँ ने बोला है वो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि जब मैं उस लायक हो जाऊंगा कि मैं जिससे शादी करूं उसको समय दे पाऊं, उसको समझ पाऊं। डेट ऑफ बर्थ आप बताते तो यहाँ पे कैमरे के जरिए तमाम लड़कियाँ आती, कुंडली आपकी निकल जाती, किसके साथ आपके 36 गुण मिलते हैं, लोग आ जाते हैं आपके पास। 36 गुण तो किसी के साथ नहीं मिल पाएंगे, 36 गुण नहीं मिल पाएंगे, 36 में 16 गुण भी मिल जाए, कितना 18 गुण भी मिल जाए ना, तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा मैं, 18 गुण भी नहीं मिल पाएंगे। खोजो भाई प्रकाश भाई, इनके लिए खोजो कोई लड़की बढ़िया। मनीष, आप यूट्यूब चैनल चलाया आपने? अभी भी चला रहे हैं। हाँ, चला रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये वीडियो बहुत, महाराष्ट्र में जो बिहार के मजदूर काम करते हैं या बाकी के राज्यों में जो काम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपको, और आम लोग आपका वीडियो देखते हैं। मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता था पहले, अब उन लोगों के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे सेटअप किया आपने, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहिए या फिर हमको वहाँ पर करना चाहिए, कितना पैसा आपने कमाया, वो जो बैंक को फ्रीज करने वाली बात थी बैंक अकाउंट को, वो पूरी कहानी क्या थी,
अकाउंट में आपके उस वक्त कितने पैसे थे जब आपको जेल भेजा गया? जब मेरा कंपनी का टोटल अकाउंट में 42 लाख रुपया था, मैं 10 लाख रुपया के आसपास यूट्यूब से मैं उस समय कमाता था और मैं उसमें से 30% डोनेट कर देता था। और मेरा सच तक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है मेरा फाउंडेशन है, उसमें आज तक मैंने किसी से एक रुपया डोनेशन नहीं लिया। पूरा गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की एजेंसी थी वो पूरा खंगाली, उसमें एक रुपया भी कहीं से डोनेशन आज तक नहीं आया है। 4 साल हो गया मैंने लिया ही नहीं। मैं जो कमाता था, मेरे कंपनी को जो पैसा आता था, सच तक न्यूज़ को जो पैसा आता था, उसका 30% मैं डोनेट कर देता था। जैसे मायावती जी के गाँव में जाके जो है मैंने शौचालय बनाया था बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मायावती जी के गाँव में। नीतीश कुमार जी के गाँव में जाके मैंने बच्चों को मदद किया था। मैं पर डे सड़कों पे जब मैं निकलता था तो पर डे मैं सोचता था कि आज जो है 5,000 रुपये के आसपास जो है बच्चों पे खर्च करूँगा। मैं करता था 3 लाख रुपये के आसपास खर्च करता था। कुछ वीडियो बनाता था, कुछ वीडियो नहीं बनाता था। सच तक फाउंडेशन से मैंने खर्च किया, लोगों का मदद किया। जैसे कोई मछली मार रहा है, बच्चा छोटा सा बच्चा है, चलो मछली कितना पैसा होगा आज तुम्हारा, तो 100 रुपया, तो ये लो 500 रुपया, जाओ किताब खरीदो और पढ़ाई करो। मैं इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो बनाया, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अगर किसी को मेडिकल के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैंने व्यवस्था कराया। जम्मू कश्मीर में जो है एक मंदिर में मैंने पीने का पानी का व्यवस्था कराया, पूरा मशीन लगवाया। बीमल मंडल अररिया के, तो उन्होंने हाथ काट लिया तो मैंने उनको 1,10,000 रुपया दिया। एक आर्मी के जवान नवादा के जो शहीद हुए थे, तो मैंने बोला कि मेरा अकाउंट खुल जाएगा तो पहला ट्रांजेक्शन 1,00,000 रुपया का मैं उस अकाउंट में करूँगा। एक जगह पुल बनवाना था, पुल, मैंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं डाला और ना ही उस जगह के बारे में मैं बात करूंगा और ना ही मैं बताऊंगा। अपने बिहार में एक जगह पुल बनवाना था तो सब लोगों ने मदद करके वो अपना पुल बनवा रहे थे, छोटा सा ही, तो उसमें मैंने 1,01,000 रुपया का मदद किया था कि पुल बन जाए, रास्ता बन जाए, ये चीज़ें। तो इस प्रकार का मैं काम करता था, मदद करता था और मदद करते गया और आगे बढ़ते गया। एक सवाल बहुत लॉजिकल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि ऑडियंस भी जानना चाहेगी। सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ाई छेड़ी, तो आपने क्या देखा? मतलब देखिए, सिस्टम में जो बिहार में बेहतर जवाब दे पाएंगे। आपने क्या मतलब देखा सिस्टम में, कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं? जैसे फिल्मों में दिखाया गया कि एक सिंघम है अजय देवगन के रोल में और दूसरा किरदार दिखाया गया कि उनके साथ जो काम कर रहा वो बेईमान है, मिला हुआ है, तो मैं थोड़ा देखिए, जो फिल्म में दिखाया गया है ना, आज तक भ्रष्टाचार की कहानी जो फिल्मों में दिखाई गई ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1% दिखाई गई है। एक्चुअल में उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, एक्चुअल में। और उसी भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सारा ख़त्म होगा। लेकिन कोई भी ख़त्म करने का प्रयास करे वो कम कर सकता है, पूरा 100% ख़त्म नहीं कर सकता है। तो भ्रष्टाचार रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई, उनको सलाखों के पीछे डालना, वो एक अच्छी बात है और वो सरकार कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा बिहार में, जैसे शौचालय के लिए सरकार जो है 12,000 रुपया देती है, उसमें जो है वहाँ के अधिकारी जो है 2,000 रुपया घूस ले लेते हैं अधिकारी, और ये बात जो है ऊपर तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचता है, प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुँचता है। उन सब चीज़ों को मैंने दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, अधिकारियों पे कार्रवाई होना शुरू किया। अब मैं जब सिस्टम में आऊँगा तो अधिकारी भी डरेंगे कि भाई इसको तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों की जानकारी है, अगर इसके पास कोई जाके शिकायत लेके चला गया तो हमारी तो लुटिया गुल हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, पैसा दे देते हैं, घूस दे देते हैं, आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, घूस नहीं देते तो लाइसेंस तक नहीं बनता है। अभी कैमरा चालू है, ये भाई साहब रजनी सिंह है, आ जाइए इधर। इन्होंने लाइसेंस 2018 में बनवाया था, लाइसेंस ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, 2018 में। 2018 का डेटा जो है वो गायब है बिहार से, 2018 का डेटा गायब है। इनको दूसरी बार जा, हाँ देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ, ये लाइसेंस है, ये देखिए कार्ड है। और जब गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी इंश्योरेंस के लिए गया, तो पता चला कि ये कार्ड का नंबर जो है ऑनलाइन पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब बताइए ये जब डीटीओ कार्यालय में, वो बोला पूरे बिहार का डेटा गायब, पूरा बिहार का डेटा गायब। वो बोल रहा है कि 2018 में जब आपने पेमेंट किया था या लर्निंग था जो 6 महीना पहले रहता है वो लेके आइए। कौन रखता है 6 साल? आप अपना लर्निंग का कागज रखे हैं क्या? सीवान डीटीओ का काम है, बिहार के सीवान डीटीओ का काम। दुर्भाग्य कहिए कि मेरे पास पड़ा था, मैं वो लेके गया और फिर उसने अप्लाई किया है, बोला 7 दिन में हो जाएगा, 15 दिन हो गए, अब 15 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ है सीवान डीटीओ का। अब बताइए क्या किया, कहा जाए इस पे सब सिग्नेचर है, सारा सिग्नेचर देखिए इसको, या तो इसको फर्जी साबित कर दीजिए,
अब बताइए, ये आदमी ने तो लाइसेंस ले लिया, अब ये अगली बार पुलिस अगर पकड़ ले इसको दिल्ली में, तो पुलिस कहेगा कि ऑनलाइन तो तुम्हारा शो नहीं कर रहा है, तुम तो गलत गाड़ी चला रहे हो। अभी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ उसमें 50,000 रुपया हम लोगों ने इन्होंने अपने पॉकेट से पे किया, क्यों 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 नहीं मिला इनको इंश्योरेंस का पैसा, काहे कि इनका लाइसेंस रजिस्टर्ड नहीं था। अरे बिहार में जो भ्रष्टाचार है ना, उसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ 1% आप जानते हैं, 99% नहीं जानते हैं। अरे गलत टैक्सी के नंबर पे जो है ट्रक बेच देते हैं, खूब हुआ 600 गाड़ियों को जो है कार्यालय से निकाल दिया गया बिना आरटीओ टैक्स दिए हुए, और वो सब खनन डिपार्टमेंट में चल रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, बिना आरटीओ टैक्स दिए हुए निकाल दिया गया। ये सारी चीज़ों पे जो है अब कार्रवाई होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, शॉक्ड हो गए होंगे कि कैसे, देखिए सबूत ला दिया मैं आपके सामने, मेरा लाइसेंस नहीं है उनका, मैं डर के मारे 2017 के बाद से मैंने अपना स्मार्ट कार्ड लाइसेंस का नहीं बनवाया, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था दिया है डिजी लॉक पे, उस चीज़ को दिखा के जो है हम लोग काम चलाते, स्मार्ट कार्ड तक नहीं बनवाया, और मैं अगर आज जाऊंगा तो मेरा तो स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, लेकिन अभी भी जो है बिस्कुमान में जो पटना में जो है डीटीओ का जो कार्यालय चलता है, जाके वहाँ पे पूछिए किस प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं। अब ये वीडियो के माध्यम से जब देखेंगे तो उन लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा तो सुधार करने का प्रयास करेंगे, और मैं खुल के बोलूँगा मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, और मैं पार्टी में ज्वाइन किया, लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में सही चीज़ को बोलने के लिए कोई रोकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के और ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आप बोलते रहेंगे लगातार एकदम, अगर लगातार आज मैं बोला ना, आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो हम लोगों से हो सकता है वो पूरा प्रयास करेंगे सुधार लाने का, अगर नहीं सुधार होगा तो फिर आवाज़ उठाएंगे, जैसे डीटीओ पे मैं यहाँ पे बैठे बैठे आवाज़ उठा दिया, 2 ही दिन हुआ ज्वाइनिंग का, फिर भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। एक सवाल मैंने लिखा था, आपने उस पर बहुत पहले बोल दिया है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर बोलिए, जैसे मनीष कश्यप करोड़ों लोगों के हीरो हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार में कई लोगों के हीरो हैं। नहीं, हीरो नहीं है, तेजस्वी यादव जी कई लोगों के विलन हैं, ये कहिए आप, ये तो आप कहेंगे ना जी, आप नहीं नहीं नहीं, नहीं आप पूछिए सोशल मीडिया पे, पूछिए सोशल मीडिया पे पूछिए, देखिए उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, मैंने कई लोगों की जिंदगी बनाई है, किसी की बर्बाद नहीं की है, एक भी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरे हाथ में मैंने 2 ही लोगों की जिंदगी बनाई है, बचाई है, आगे बढ़ाई है, मैंने बर्बाद नहीं किया, मैं सिस्टम में कभी नहीं आऊं, लेकिन वो सिस्टम में आए हैं और आके करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद किए हैं, तो वो हीरो नहीं विलन है। तो तेजस्वी का रोजगार या मोदी की गारंटी, तेजस्वी ने किसको रोजगार दिया है, मीसा भारती को रोजगार दिया है, रोहिणी आचार्य को रोजगार दिया है, वो अपने परिवार वालों को रोजगार दिया, तेजस्वी ने किसको रोजगार दिया, एक आदमी का नाम बताइए, मतलब ये कैसे अफवाह फैला देते हैं आप लोग, बताइए इस प्रकार से तो NSA आप लोगों पे भी लग जाना चाहिए, कैसे अफवाह फैला दिए, किसको रोजगार, एक आदमी का नाम बताइए, वो अपने परिवार के अलावा एक आदमी का नाम बताइए जिसको रोजगार दिया। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत किसको झटपट नौकरी दे दी, किसको मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो रोजगार के लिए क्रेडिट कौन ले रहा है, तेजस्वी यादव जी, कौन ले रहा है, तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, रोजगार के लिए क्रेडिट कौन ले रहा है, तेजस्वी यादव जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, NSA मनीष कश्यप पे लगाया, तो काहे नहीं क्रेडिट ले रहा है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी हम जेल डलवाए थे, काहे नहीं ले रहे, मतलब जो अच्छा काम नीतीश कुमार जी करे उसका क्रेडिट ले ले, और जो आप जो है जिसको जेल में डलवाए उसका क्रेडिट नहीं ले। तेजस्वी यादव के नाम पे आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी आमने सामने अगर आ गए मनीष तो क्या बात करेंगे भाई, बस बोलूंगा कि सुधर जाइए, बिहार के विकास के लिए काम कीजिए, यही कहूंगा, क्योंकि उनकी पहचान जो है सिर्फ उनके पिताजी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा काम कीजिए, ताकि बिहार के लोग आपको विलन नहीं हीरो माने, आपके परिवार को जो है विलन नहीं हीरो माने। एक विलन आपकी जिंदगी में और है, हाँ अजय हमारे सहयोगी आपसे सवाल पूछेंगे, अजय पहले तो स्वागत है आपका, मैं कहना चाहूँ जो आर्यन खान वाला जो केस हुआ था, तो आर्यन खान वाले केस में आपने जो है जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनका बहुत समर्थन किया खुलकर, और आर्यन खान को आपने खूब रेला, सलमान खान को भी नहीं छोड़े आप, शाहरुख खान को भी आप नहीं छोड़े, अभी आप BJP में ज्वाइन कर लिए हो, तो क्या हम मान लें कि आप BJP के OVC हैं? BJP के OVC? BJP में कोई OVC का कोई अस्तित्व नहीं है।
इनका सवाल ये है कि जैसे ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं, नहीं मैंने कभी भड़काऊ, नहीं 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 सुनिए, भड़काऊ बयान देना और लॉजिकली बात करना में बहुत फर्क है। मैंने कभी भी आज तक आप इतना सारा टीवी चल रहा है, आप उसमें किसी भी चैनल टीवी पे दिखा दीजिए आप कि मैंने किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ बोला हूँ। मैं 100 हीरो के बारे में वीडियो बनाया हूँ, जिसमें अमिताभ बच्चन के बारे में भी बनाया हूँ, अजय देवगन के बारे में भी, अक्षय कुमार के भी बारे में भी, रणवीर सिंह ने जो वो न्यूड फोटोग्राफी किया था उसके बारे में भी। तो हम हिंदू विरोधी नहीं हुए, और शाहरुख खान के बारे में बोल दिए, सलमान खान के बारे में बोल दिया, तो हम मुस्लिम विरोधी हो गए। क्यों ये दोहरी मानसिकता क्यों? मैंने 100 ठेकेदारों के खिलाफ वीडियो बनाया जिसमें 99 ठेकेदार हिंदू है। मैंने उस समय नहीं सोचा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो ठीक है, मनीष कश्यप वाले बहुत बढ़िया ठेकेदारों के खिलाफ, एक वो दाढ़ी वाले भाई साहब थे और गांधी जी के नाम पे भितारवा आश्रम में चुन्ना लगा रहे थे, उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ वीडियो बना दिया, तो मुस्लिम विरोधी हो गए। मैंने 100 अधिकारियों के खिलाफ वीडियो बनाया। एक आदमी मुझे राजेंद्र नगर, पटना का राजेंद्र नगर में हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें जो है वो मुस्लिम व्यक्ति जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूस ले रहा था, उसके खिलाफ वीडियो बना दिया, तो मैं ही मुस्लिम विरोधी हो गया। अरे अवेसी देश के विकास के लिए नहीं बात करते हैं, सड़कों पे घूम घूम के पत्रकारिता नहीं किए हैं हम, सड़कों पे घूम घूम के पत्रकारिता किए हैं। अवेसी किसी हिंदू को खून नहीं दिए हैं, हमने मुसलमान को खून दिया है। जेल में जब मैं था तो एक मुस्लिम परिवार का बच्चा जो है बीमार था, कैंसर पीड़ित था, तो मैंने बोला, मेरे से मिलने आए तो मैंने बोला कि जाइए उनको 25,000 रुपया दीजिए, और दिया मैंने। तो एक पहलू देखने से नहीं काम चलेगा, दोनों पहलू देखने से काम चलेगा। और अगर आप एक पहलू देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका विचारधारा ओवैसी जैसा हो गया है। आपका विचारधारा ओवैसी जैसा नहीं होना चाहिए, आपका विचारधारा विवेकानंद जी जैसा होना चाहिए, आपका विचारधारा जो है कलाम जैसा होना चाहिए, आपका विचारधारा हमीद जैसा होना चाहिए, आपका विचारधारा जो है वो नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए, आपका विचारधारा जो है कांग्रेस के नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए। आपका विचारधारा गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज है। बाकी आपको आपके सवाल का शायद से जवाब मिल गया होगा। जी जी बिल्कुल। आर्यन खान वाले केस में आपने बहुत गजब रिपोर्टिंग की थी, उसमें ऐसा लोगों को लगा था कि आप जो है खास तौर से शाहरुख खान को टारगेट कर रहे थे। उसमें बहुत से सोशल मीडिया पे भी कमेंट आए थे कि मनीष कश्यप जो है कि शाहरुख खान का बेटा, इसलिए उनको जो है टारगेट कर रहे हैं और समीर वानखेड़े के पक्ष में आ गए हैं, जबकि उस केस की जांच चल रही थी उस वक्त। हाँ, उससे रिलेटेड इनका ये प्रश्न था। देखिए, बॉलीवुड में तो नशा का व्यापार होता ही है, ये सबको पता है, ये झूठलाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, ठीक है। शाहरुख खान जी गुटखा का प्रचार करते हैं, आपको पता है ना, खाइए जुबा केसरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब बपुए गुटखा का प्रचार करेगा तो बेटा तो ड्रग्स का सेवन करेगा ही करेगा, बेटा तो गांजा पिएगा ही पिएगा। जाके पूछिए बॉलीवुड में, किसी से भी पूछिए, आपको पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा कि उनका बेटा गांजा पीते हैं कि नहीं पीते। हम नहीं बोल रहे हैं कि पीते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पीते, पीते हैं कि नहीं पीते हैं पूछ लीजिए। उनके कुरान में या अजय देवगन के गीता में, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, अजय देवगन अक्षय कुमार के गीता में या किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में या किसी भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ में गुटखा का प्रचार जो है करना क्या जायज़ है? मेरे यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो जाके देखिएगा, फर्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में, तो वहीं मिलेगा कि डाक बंगला चौराहा पे एक आदमी गुटखा खा के फेंक दिया है, फर्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल। मैं इसका बहुत विरोधी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई गुटखा खाता है, गुटखा खा के कहीं फेंक देता है, देश को गंदा करता है। भारत हमारी माँ है, हम लोग माँ मानते हैं भारत को, मातृभूमि से हमें प्यार करते हैं, मिट्टी को जो है हम लोग चूमते हैं, और उस मिट्टी को जब हम लोग चूमते हैं उस जगह पे जो है कोई गुटखा खा के थूक देता है तो हमें बुरा लगता है, ये चीज़ है। और शाहरुख खान जी वो सरगोशी ऐड करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो मैंने किया रिपोर्टिंग। जब इंजीनियरिंग में आप जब पढ़ाई कर रहे थे, सिविल इंजीनियर जब आप बन रहे थे, उन दिनों का कोई दोस्त है जो अब आपके साथ रहता हो, बहुत सारे कोई कहानी किस्सा कुछ बहुत है? सारे दोस्त कॉलेज है। कॉलेज की कोई बात है आपके पास जो मतलब बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? बहुत सारे दोस्त है, हम लोग भी जब कॉलेज के दिनों में थे तो हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं था, उतना पैसा नहीं था, उतना सब कुछ नहीं था। हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल में भी रहा, उसके बाद से फाइनल ईयर में मैंने अपना फ्लैट ले लिया। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त याद बन गए हैं और बहुत सारे दोस्त आज भी याद आते हैं, ये चीज़ है। तो हम लोग एक बार पीछे बेंच पे बैठे थे, मैं और भी मेरे विनायक नाम का एक लड़का था, दोस्त है अभी महाराष्ट्र में है, समीर नाम का लड़का था,
कृष्णकांत था, वैभव था, वो लोग सारे महाराष्ट्र के थे और मैं बिहार का। तो हम लोग कुछ बदमाशी कर रहे थे तो एक अभय सैलार सर थे, उन्होंने बोला कि खड़े हो जाओ मनीष, खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि क्या लगता है तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, थर्ड ईयर की बात है। तो मैंने बोला कि कॉलेज कितने लोगों का प्लेसमेंट कराता है? तो उन्होंने बोला सिविल डिपार्टमेंट से तो किसी का नहीं। तो मैंने बोला कि अगर प्लेसमेंट होगा सिविल डिपार्टमेंट में तो मेरा होगा, और सबसे पहले मेरा प्लेसमेंट सिविल डिपार्टमेंट में हुआ। अब पहली वाली नौकरी जो है 21,000 की लगी थी, और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते गया। और मेरा सैलरी जब मैंने छोड़ा उस समय, लास्ट ऑफर जो मुझे था वो 85,000, 85,000 रुपये का ऑफर था जब मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट इंचार्ज था। हाई राइज बिल्डिंग मतलब कि जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसका मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज था। मैंने टनल टेक्नोलॉजी पे काम किया, जहाँ पे हम लोग 24 घंटे के अंदर एक फ्लोर पूरा कास्ट करके दूसरे फ्लोर की कास्टिंग का काम शुरू कर देते थे 24 घंटे के अंदर। टनल फॉर्म टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसमें इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो सिविल इंजीनियर मैं कमाल का हूँ, अच्छा सिविल इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज भी है और उस पर मैं काम भी करता हूँ। उसके बाद से मैं यूट्यूबर बना, तो एक अच्छा यूट्यूबर बना, लोगों की मदद किया, नॉन यूट्यूबर बना। आज नेता बन रहा हूँ, मैं अच्छा नेता बनूंगा। मैं सड़कों में तो आपने बहुत कमियाँ निकाली हैं। हाँ, वाकई वो जेन्युइन कमियाँ थी। हाँ, नितिन गडकरी तो बहुत सड़क बना रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। देखिए नितिन गडकरी की सड़कों में ऐसा क्या है? नहीं, नितिन लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी जैसा मिनिस्टर मतलब सड़क परिवहन। नितिन गडकरी का प्रशंसा मैं हमेशा करता हूं, हर वीडियो में करता हूं। आप लेकिन पहले भी करते रहे? हाँ हाँ, पहले भी अनेकों वीडियो में। लेकिन नितिन गडकरी जी का जब काम बिहार में आता है तो बिहार के ठेकेदार जो है बिहार में चूना लगाना शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जो है आपने देखा कि बहुत सारा पुल पुलिया गिरा, पुल गिरा, पुलिया नहीं, पुलिया तो छोटा होता है, पुल गिरा। तो ये सारी चीज़ें जो है नितिन गडकरी जी तक मॉनिटरिंग के रूप में हमेशा नहीं पहुंचता होगा, तब जाके जो है ये सारा काम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया, वीडियो बनाया। और नितिन गडकरी भी चाहते हैं कि रोड सेफ्टी पे काम हो। रोड सेफ्टी भारत में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होता है, मौत रोड एक्सीडेंट में 3-3.5 लाख 4 लाख लोगों की मौत हुई है एक साल में, ये सरकार का आंकड़ा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस पे काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, काम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को जो है हम लोग दिखाते हैं, बनाते हैं। लेकिन अगर एक मंत्री की के रूप में बात किया जाए तो नितिन गडकरी मुझे इस देश के आज तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ पथ परिवहन मंत्री के रूप में लगते हैं। बिहार की आबादी मनीष इस वक्त कितनी होगी? 13 करोड़ 80 लाख। मैं 13 करोड़ 80 लाख लोगों का एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कि उन लोगों ने फोन किया था कि आपके पास कि, नहीं नहीं हाँ, ऐसा सवाल, मेल किया था, ऐसा सवाल है, मैसेज किया था। नहीं नहीं मनीष, आप सुनिए सवाल, सुनिए। सुशांत सिंह की जो मौत हुई, हाँ, उसके बाद उसका प्रश्न मिला नहीं आज तक लोगों को, नहीं मिला, मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिला, ये बस सही है। आज भी आप देखिए कि सलमान खान का जब केस आया, लॉरेंस बिश्नोई ने जब उनको धमकी दी है, जो वहां पे गोलीकांड हुआ, उसके वीडियोज के कमेंट में ज्यादातर कमेंट इस बात के आ रहे थे कि सुशांत के बारे में आपकी क्या राय, पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे तुरंत एक्शन हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है। बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, और आपने पूरा कवर भी किया था, बहुत आपने वीडियोस बनाए थे उससे। मैं अभी भी बनाता हूँ, उनके परिवार से टच में रहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कमी रह गई, क्यों नहीं न्याय मिला? अब तो आप बीजेपी में भी आ गए, क्या करोगे आप पार्टी के लिए, मतलब उनके परिवार के लिए? देखिए उनके परिवार के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होता है जो उनके परिवार वालों को पता है, हम इस पे कुछ नहीं बोलना चाहते। हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, मिला नहीं है। परिवार से आप मिले थे ना? मिला हूँ। क्या कहते हैं परिवार के लोग, मतलब जो कुछ चीज़ें जो है ऑफ कैमरा ही रहने दिया जाए, किसी के जख्म को कुदेरने की ज़रूरत नहीं है। परिवार परेशान है, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, न्याय चाहिए उसे, न्याय अभी तक नहीं मिला। वो आदमी चेहरे से हटता नहीं किसी के, मतलब जब भी हम लोग भी जब भी तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि यार गलत हुआ उनके साथ। गलत तो हुआ ही हुआ, क्या सिस्टम है कि मतलब कोई ये जान नहीं पा रहा कि हुआ क्या उनके साथ? उनकी हत्या हुई थी, हत्या हुई थी एकदम। तो कैसे हत्यारा अपने समाज में है, अपने देश में है। बस उम्मीद है कि इंसाफ का तराजू जो है ना, उस पर सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, उम्मीद है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि हर चीज़ पे कमेंट करूँ और हर जगह जो है मैं सुधार करा दूँ। मेरा जो औकात है उस पर अगर बात कीजिएगा
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस मैं चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला ना? नहीं मिला। तो मतलब उनका जो आरोपी है जो जो खुले समाज में घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है? एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि बिहार की जो आज की हालत है मनीष, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? लालू परिवार। लालू परिवार कैसे? 1990 से पहले बिहार ह्यूमन इंडेक्स में, डेवलपमेंट रेशियो में, इंडस्ट्री में, पर कैपिटा इनकम में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में जो है इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक था। 1990 के बाद 2005 तक आते आते जो है बिहार सबसे निचले पायदान पर चला गया। लालू जी ने गरीबों की बात की थी कि हाँ गरीबों के लिए हम काम करेंगे, गरीबों के हक के लिए काम करेंगे। यादव और मुसलमान का गठजोड़ बना के, MY समीकरण बना के उन्होंने वोट लिया, गरीबों का भी वोट लिया, दूसरे भी कास्ट के लोगों का वोट लिया, और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया लालू जी ने। तो लालू परिवार जो है बिहार के वर्तमान बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। राजनीति से जुड़ा हुआ बिहार के ही एक हमारे साथ सहयोगी पत्रकार हैं प्रकाश ललित, और बड़े मजे हुए पत्रकार हैं, बड़ी बारीकी से समझते हैं। जो कह रहे थे ना कि आप भ्रष्टाचार को 1% समझते हैं, क्या जी आप कह रहे थे ना भ्रष्टाचार को 1% समझते हैं, तो ये बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये हमारे कॉलेज के सीनियर भी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक इनसे सवाल पूछिए। मनीष भाई एक चीज बताओ आप कि आप बिहार से हो और पॉलिटिक्स भी आपकी जो चलेगी वो बिहार में ही चलेगी, मतलब राजनीति जो निकल करनी सकती है बिहार से। हाँ, मतलब जब निकलोगे तब निकलोगे, अभी तो राजनीति बिहार में करनी है आपको। आपकी ज्वाइनिंग जो है मनोज तिवारी यहाँ दिल्ली में कराते हैं आकर के, JP नड्डा और तमाम बड़े नेताओं, क्या मतलब प्रदेश की जो पार्टी है प्रदेश BJP जो है वहाँ पर कोई परेशानी ना हो जाए, या वहाँ कुछ दिक्कत हो रही थी कि पटना में ज्वाइनिंग नहीं हुई, ऐसा किस लिए? ये प्रश्न है। अब इस सवाल का जवाब मेरे पास यही है कि मुझे शायद इस लायक समझा गया कि इनकी ज्वाइनिंग जो है दिल्ली से होगी और पूरे नेशनल लेवल पे एक मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। एक यूट्यूबर को जो है, टैलेंटेड यूट्यूबर को भारतीय जनता पार्टी इज्जत देती है, सबको इज्जत देती है, शायद इसलिए। बाकी इस सवाल के तह तक मैं नहीं पहुंच सकता या मुझे उतनी जानकारी नहीं होगी। मैं शायद देखिए प्रदेश जैसे मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, विजय सिन्हा जी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, संजय जायसवाल जी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हर जगह जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला गया। ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई पेज था कोई वहाँ नहीं, पे नहीं, BJP नहीं, लीडर नहीं, था जो कह रहा कैसे था, पेज था, क्या बात करते हैं। जब मैं जेल में था तो विनोद तावड़े जी मेरे लिए आवाज़ उठाए, मैं आपके सवालों को उस प्रकार से नहीं समझ पाया। विनोद तावड़े जी मेरे लिए आवाज़ उठाए, विजय सिन्हा जी आवाज़ उठाए, हरी सहनी जी आवाज़ उठाए, हरी मांझी जी मेरे लिए आवाज़ उठाए, हर जाति विशेष के नेता मेरे लिए आवाज़ उठाए, बिहार BJP के नेता आवाज़ उठाए। और जब मैं जेल से निकला तो BJP कार्यालय, बिहार BJP कार्यालय गया, तो ऐसा नहीं है। आप काबिल हैं, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि JP नड्डा, मनोज तिवारी, और जब इस लेवल पर आपकी ज्वाइनिंग बिहार से बाहर कराई गई दिल्ली तो संजय मयूख जी बिहार के नेता वहाँ पे मौजूद थे मंच पे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब किसी आपके स्तर के आदमी की ज्वाइनिंग BJP में दिल्ली से हो रही है तो ये मैसेज प्रदेश को है कि अगर वहाँ खिटपिट कोई कर रहे हो तो भाई ये समझ लो कि अब नहीं पता नहीं आप हेडमास्टर ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। देखिए आपको राजनीति में मेरे से ज़्यादा जानकारी है, आपका चेहरा बता रहा है और बाल जो उड़ गया है आपका वो भी बता रहा है, ये चीज़ है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूं, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जो है कहीं BJP में कोई खिटपिट नहीं है। छोड़िए इसको, खत्म करें, पॉलिटिक्स जाने दीजिए। एक चीज मुझे बताइए, आप इंजीनियरिंग, फिर बाउंसर मारेंगे आप। आप इंजीनियरिंग में थे? हाँ, मैं भी इंजीनियरिंग में था, ठीक है। आपने पूरा किया, मैंने ओवर में दो ही बाउंसर मारना होता है, नियम है ये, दूसरा खत्म, बाउंसर नहीं है सामान्य। आप भी इंजीनियरिंग में थे, मैं भी इंजीनियरिंग में था, तो जैसे हम लोग CS में थे, मैं CS में था, हाँ, तो आपका दूसरे तो बल्ले बल्ले था, हाँ, वही हमारा तो सिविल सूखा सूखा रहता है। वही पूछ रहा हूँ कि भाई CS में मैं था तो वहाँ मतलब लड़के लड़कियाँ होती हैं और रेशियो ठीक ठाक होता है, 60-40 का रेशियो होता है, और IT में तो 50-50 हो जाता है, कभी कभी तो 60% लड़कियाँ रहती है। ये मैकेनिकल और सिविल वालों में तो बड़ा सूखा रहता है भाई। हाँ भाई हम लोग, क्या यही कारण है कि आपने तय कर लिया कि भाई अब ब्याह ही नहीं करेंगे? देखिए हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बर्फ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस बर्फ को जो है पी नहीं सकते हैं हम लोग, तो सूखा सूखा ब्रांच था हमारा। सूखा सूखा का क्या मतलब है भाई? सूखा मतलब ब्रांच में लड़कियां नहीं होती। नहीं 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 नहीं, गलत इंटेंशन में नहीं लेने की बात है। देखिए
मतलब कि सूखा सूखा ब्रांच का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को मशीन के आगे काम करना है, धूप में काम करना है, घर को बनाना है, सीमेंट धूल धकड़। आप लोगों का बढ़िया ब्रांच, अच्छा, मतलब एयर कंडीशन कमरों में आप लोगों, आपके बैच में, आपके बैच में कितनी लड़कियां थी सिविल में बताओ? मेरे बैच में थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी 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 नहीं 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 थी याद करने दीजिए भाई। नहीं नहीं, मेरे बैच में थी लड़कियां, झूठ बोलूंगा तो मेरे क्लासमेट जो है कमेंट करना शुरू कर देंगे। अभिषेक देखो तो मैं बताता हूँ, कुछ मैकेनिकल और सिविल के जुड़े बच्चों की हाल ये होती है कि ये लोग सीएस और आईटी वालों को देखते रहते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, सही बात है, सीएस और आईटी वाले जो हमारे दोस्त होते हैं हम लोग देखते रहते हैं। और सीएस, और ये सही है, सीएस और आईटी जो ब्रांच जहाँ होता था वहाँ का चक्कर हम लोग लगाते रहते हैं, क्योंकि नहीं लड़कियों के चक्कर में नहीं, लड़कियों के चक्कर में नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वहाँ पे हम लोगों का जैसे प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट हम लोग जो है कंप्यूटर पे थोड़ा सा उस समय कमज़ोर रहते हैं, मैकेनिकल और सिविल वाले कमज़ोर रहते हैं, तो ये लोग कंप्यूटर में जो थोड़ा सा महारत हासिल हुआ रहता है तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट भी कराने इन लोगों से मदद लेने जो है वो चले जाते हैं। और कभी कभी जो है हम लोग जो अपना डिप्रेशन दूर करने भी चले जाते हैं, तो ये लोग सजेशन अच्छा देते हैं। आप मुझे बताओ कि आपने विनायक का नाम लिया और भी दोस्तों का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ, कोई महिला मित्र नहीं है जिससे बात होती है कॉलेज के दिनों में? महिला मित्र कॉलेज के दिनों में थोड़ी होती है, लड़की मित्र होती है। क्या बात करते हैं, कॉलेज के दिनों में महिला मित्र होती है क्या? शायद आप, अच्छा, चलिए, कॉलेज के दिन में कोई महिला मित्र बना लिए होंगे आप। आपकी गर्लफ्रेंड कोई थी मतलब कॉलेज में? ना 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 ना, कोई नहीं, कभी किसी से बात नहीं हुई? बात तो होती थी। मनीष भाई मुझे ठीक से देख के आप बताओ, कभी किसी लड़की से प्रेम हुआ? ठीक से बताना, मैं खुद आपको तो जरूर हुआ होगा। मुझे खूब हुआ, बार बार हुआ। हाँ तो आपको जरूर बार हुआ। हाँ मुझे, आप बताओ, आपका चेहरा ही बता रहा है और चेहरा का रौनक बता रहा है कि आपको जो है बहुत बार हुआ होगा और अभी भी कहीं ना हो जाए। तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में रहिएगा मनीष भाई। आप बताओ कि कोई तो होगी जिसकी याद आती होगी कि हाँ यार मतलब ठीक है शादी, अब उससे क्या मतलब है? अब बेचारा जो भी होगी जहाँ भी होगी सुरक्षित रहे, सही रहे, आगे बढ़े। अब मतलब कि अब तो हम लोग पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो हम लोगों का बहुत सारा थोड़ी है, बहुत सारा लिमिटेशन तो हो ही सकता है किसी से। हाँ किसी से भी हो सकता है, ये बात है, सही बात है। तो मुझे किसी से नहीं हुआ, और कहीं गलती से सपने में हुआ होगा तो याद बन के रह गया। नहीं नहीं, मैं कोई घाव नहीं है, कोई घाव नहीं। मैं मनीष एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितना पेज का? 6-7 पेज का अभी आपको जवाब देना है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। नेहा सिंह राठौर बिहार के गायिका हैं, लोक गायिका, हमारे स्टूडियो में जब आई थी तो हमने आपको लेकर एक सवाल पूछा था। उन दिनों आप बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी में तो अभी आप 24-48 घंटे पहले आए। मैं चाहूँगा वो वीडियो प्ले करके दिखाया जाए आपको। नेहा सिंह राठौर, चूंकि मैंने यही सवाल पूछा था कि भाई आप दोनों बिहार के हैं, और ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप सुनिए कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा। नहीं लगा कि यार एक बिहार का भाई बहुत परेशान, आना चाहिए उसकी लड़ाई? मैं कौन हूँ? मैं एक लोक गायिका हूँ महाराज। बात तो आप मुझसे ऐसे कर रहे हैं जिसमें मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री हूँ या कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ी अथॉरिटी है। मैं कौन हूँ? मैं मनीष कश्यप का क्या भला कर दूंगी? रोकना चाहता हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मनीष कश्यप, लिसन टू मी, मैं अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे आए दिन ट्विटर पे इस तरीके से भद्दे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अपने सम्मान की लड़ाई तो मैं लड़ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना हतोत्साहित कर दिया जा रहा है। मैं इनके लिए, उनके लिए, इस देश में बहुत कुछ बुरा भला हो रहा है, बहुत सारे निर्दोष लोगों के साथ भला बुरा हो रहा है, उसी में से एक विक्टिम मैं हूँ। मैं क्या कर दूंगी भाई? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इंसान किसी दूसरे का दुख देख कर दुखी हो जाए तो इंसान बहुत अच्छा है। आप मणिपुर की घटना पे दुख जता रही हैं, इसका मतलब ये कि आपके अंदर एक इंसान है, जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया उनके अंदर एक इंसान नहीं था। तो आप ही के बिहार का मनीष कश्यप के साथ इतना बुरा हुआ, जिस तरीके से उनको राजनीतिक तौर पे भेज दिया गया, तमिलनाडु में जेल में रखा गया, काला पानी का सजा दिया गया, आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप के बारे में भी आपको बोलना चाहिए था? या मनीष कश्यप पे आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक कार्रवाई हुई जो हुई? मैं देखिए, चूंकि आप दोनों बिहार के हैं, मैं अब आप कहिएगा कि मेरा इससे क्या लेना देना है। तो दोनों एक ही साथ उभरे हैं, दोनों सबके सामने एक ही साथ बढ़े हैं, मनीष कश्यप अपनी दुनिया में और आप अपनी दुनिया में, तो आपको नहीं लगता कि गलत हुआ या सही हुआ कुछ? नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एमपी में 4 FIR हुआ। जेल तो नहीं गई आप? फांसी चढ़वाना चाहते हैं क्या? मनीष को जेल हुई?
जेल तो नहीं गई आप धमकी दे रहे हैं क्या? मनीष कश्यप को जेल हुई? आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या कि जेल तो नहीं गई तुम? देखिए बहन है ये, अगर आपने वीडियो दिखा दिया तो मैं इनको जानता हूँ। कभी कभी कुछ लोग नेहा सिंह राठौर पूछता है, तो नेहा सिंह राठौर मेरी एक दोस्त भी है और कॉलेज के दिन में भी एक नेहा सिंह राठौर थी, तो मैं उस समय कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये मेरी बहन है। जब इनके ऊपर यूपी पुलिस ने समन दिया था तो मनीष कश्यप ने इनके समर्थन में वीडियो बनाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहन गलत है या सही है, मैंने समर्थन में वीडियो बनाया था। चूँकि हमारा भी बुद्धि विवेक है, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनके ऊपर जितने भी केस मुकदमे हुए हैं सब में ये बाइज्जत बरी हों, निर्दोष साबित हों, खूब तरक्की करें। लेकिन मैं नेहा बहन से मैं ये विनती भी करूँगा कि एक आँख बंद करके दुनिया को ना देखने का प्रयास करें, दोनों आँख खोल के देखने का प्रयास करें। जो गलत हो उसे गलत कहें और जो सही हो उसे सही कहें। आप जानते हैं ये आपको क्यों नहीं पसंद करती हैं? ये विपक्षी पार्टियों की प्रवक्ता है, इनको विपक्षी पार्टी पसंद है और मैं राष्ट्रवादी हूँ। नहीं नहीं मनीष, हाँ ये आपको इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि आप मनोज तिवारी के बहुत करीबी। नहीं तो उस समय देखिए जब मैं जेल में था तो इनको ये नहीं पता था कि मैं मनोज तिवारी का करीबी हूँ कि नहीं हूँ। इनको मेरे लिए दो शब्द ही सही कहना चाहिए था। ये बिहार, देखिए मैंने कितने सवाल पूछे, बिहार तक पे बैठ के बोली थी क्या कि मतलब कि उन्होंने गुमराह किया, गलत किया, ये किया, वो किया। तो अब इन्हें बोलना चाहिए, कोर्ट ने जब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया तो इनको बोलना चाहिए। मैंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था, तो ये इनका मानना है। मैं अपने बहन का अपमान नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी बहन है, मैं इनका इज्जत करूँगा। कभी भी अगर इनके ऊपर संकट आएगा तो मैं अपने पार्टी लाइन से हट के जो है ना मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊँगा। एक भाई का ये वादा रहा इनके लिए, बाकी इनकी मर्जी, इनको जो बोलना है, जो मेरे बारे में समझना है ये समझे। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि जब इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था ना, तो मनीष कश्यप ने अभी 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नेहा सिंह राठौर के साथ जो हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मैंने इनके लिए वीडियो बनाया था। लेकिन एक भाई का ये भी सवाल है कि जब भाई संकट में था तो इस बहन को जो है मेरे लिए कुछ नहीं तो कुछ बोलना चाहिए था। बहन तो आपके बारे में कुछ बोली नहीं, लेकिन एक भाई है बिहार में जो आपके लिए बहुत बोलता है। हाँ, मनोज तिवारी। तो खुल के बोलिए मनीष कश्यप मनोज तिवारी के बारे में। मुझे जितना पता है कि मनोज तिवारी ने अगर उन दिनों आपके सिर पे हाथ न रखा होता तो आपको दोबारा हंसने का मौका कब मिलता? शायद मुझे भी नहीं पता था। मनोज तिवारी जी के साथ साथ सुशील मोदी जी ने भी सर पे हाथ रखा, विजय सिन्हा जी भी रखे, और भी बहुत सारे नेता रखे, और इन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही मतलब कि मनीष कश्यप जेल में भी था तो टूटा नहीं। अपने माँ का तो सबसे बड़ा योगदान है, उसके अलावा इन लोगों का भी योगदान है। उसके अलावा सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो मेरे उन लोगों का है जो लोग मुझे से कभी मिले नहीं और मेरे लिए जो है लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहे, उन लोगों का योगदान है। और मैं वादा करता हूँ कि उन लोगों के विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। हमारे सहयोगी अजय हैं, एक सवाल उनके पास भी है। देवगन हमारे सहयोगी कृष्णा है, कृष्णा माफ करिएगा, कृष्णा है, उनका भी एक सवाल है। फिर अंशिता आपसे एक सवाल पूछेंगे, अभिषेक एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद कुछ सवाल हमारे होंगे और फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा। वेलकम सर ग्लोबल टीवी में। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप माँ को बहुत मानते हो, माँ का कहना भी मानते हो, आप भी मानते हैं, मैं भी सब लोग सब मानते हैं। हाँ। तो आपके इस फैसले से पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो माँ का भी मतलब वही फैसला है कि आप पॉलिटिक्स में आके तो वही जैसे पहले काम करते थे निष्पक्ष जो यूट्यूबर की तरह करते थे तो वही अभी भी जारी रहेगा? एकदम बिल्कुल वही काम। मैंने क्या बोला कि मैं पार्टी लाइन से हटके भी अगर मेरी बहन नेहा को अगर समस्या होगा और मुझे लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैंने अभी बोला। मैं ये भी बोला कि अगर सड़कों में अगर प्रॉब्लम होगा, खड्डे होंगे, अगर मान लीजिए कि अस्पताल में दिक्कत होगा, ब्लॉक में दिक्कत होगा, मैंने शुरुआत में ही बोला, तो मैं अपना स्टैंड क्लियर करूँगा कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे काम होना चाहिए। तो उसमें जो है स्टैंड में कहीं बदलाव मनीष कश्यप नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खूबसूरत भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है और उसमें जो है भारत में जो पार्टी शासन कर रही है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, वो आपको बोलने की आज़ादी देती है
वो आपको समझने की आज़ादी देती है, काम करने की आज़ादी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नेता या कार्यकर्ता को ये नहीं कहती है कि गलत हो रहा है तो तुम चुप रहो, गलत हो रहा है तो तुम आवाज़ उठाओ। पहले तो गलत हो रहा है तो तुम उसके समस्या का समाधान करो, अगर समस्या का समाधान तुमसे नहीं हो रहा तो आवाज़ उठाओ, इसको जो है ऊपर तक पहुंचाओ, पार्टी फोरम में पहुंचाओ। और मोदी जी तक जब बात पहुंचती है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो मोदी जी एट ए टाइम एक्शन लेते हैं और उस समस्या का समाधान होता है। तो इतना खूबसूरत देश भारत, उसका खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा इस पार्टी में। थैंक यू सर। माँ की हर बात मानेंगे, बस एक बात नहीं मानेंगे, उनका सवाल पूरा हो जाएगा। हर बात मानेंगे माँ की, एक बात नहीं मानेंगे। नहीं, एक बात वो भी मानेंगे, लेकिन जब उस लायक हो जाऊंगा तो। ठीक है, अंशिता के पास भी एक सवाल है, फिर आखिरी चरण में चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सवाल मेरा ये है कि आप अभी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, अब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जाहिर है आपने सीट अपना चुनाव की तैयारी कर रहा था। चुनाव लड़ना तब शुरू होता है नियम के अनुसार जब आप नॉमिनेशन भर देते हैं। भौकाल टाइट कर रहे थे और उस भौकाल में रैलियां भी की आपने बातें, मतलब काफी लोगों के साथ जुड़ाव भी हुआ, उसका असर भी देखा जा रहा था वहां पर। जाहिर है अब आप बीजेपी में आ चुके हैं, वहां से ये भी कह चुके हैं कि अब मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, 2024 लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्लियर कीजिए। अभी चंपारण से जो आप निर्दलीय, तो कहीं मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप भी अपर्णा यादव की तरह स्थिति हो जाएगी, जब वो सपा परिवार से हैं, आप जानते हैं अपर्णा यादव को, बीजेपी में शामिल हुई, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि टिकट देगी बीजेपी, विधानसभा में भी एक उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में भी शायद उन्हें उम्मीद रही होगी कि टिकट मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब अगर आगे आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तब आप क्या करेंगे? अच्छा, जसप्रीत बुमराह की आप कोई रिलेटिव तो नहीं है ना? नहीं, रिश्तेदार जसप्रीत बुमराह जो हमारे भारत के यॉर्कर मारते हैं, एकदम पैर पे डायरेक्ट बॉल मारते हैं और सामने वाला जो है एकदम उस बॉल को रोक नहीं पाता है, खेल नहीं पाता है अभी, मतलब कि साय से जसप्रीत बुमराह, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो देखिए आपकी बहन मुझे मिल गई है, इनको जो है बुलाइए, ये जो है एकदम क्लीन बोल्ड करने के, अभी तक जो है जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने सवाल पूछा उसमें जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल इन्होंने पूछ लिया। तो भाई मैं आपके सवालों का जवाब यही दूंगा कि मैं इसको डिफेंस कर लूँगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ें हैं और बाकी प्रभु श्री राम के हाथ में है, जो होगा वो अच्छा होगा। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बस एक सवाल था। ठीक है, तो उसका जवाब यही है कि मैं डिफेंसिव मोड में हूँ और मैं इस बॉल को रोकता हूँ और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी टीम से सवाल है अभिषेक चतुर्वेदी का, वो भी आपके बिहार के रहने वाले हैं और अभिषेक बीपीएससी की तैयारी भी करते थे। मैं चाहूँगा कि एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछे, और बहुत ही ब्रिलियंट रहे, सुपर 30 में पढ़ते थे, हमारी टीम में है अभी, चारों वेद के ज्ञाता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सवाल ये है कि जन्मदिन तो आप बता नहीं रहे हैं, खैर नहीं नहीं सबको नहीं, पता 9 मार्च 91। नहीं नहीं, मेरा सवाल भी है, सवाल मैं बता दे रहा हूँ। सवाल दरअसल सुन लीजिए एक बार, कि गूगल पे आपका जो जन्मदिन अभी मैं देख रहा था तो पहला था 9 मार्च 1988 और दूसरा है 9 मार्च 1991। जन्मदिन पे जाने की जरूरत नहीं है, सवाल ये है कि क्या 2026 वाला जन्मदिन, अब 24 तो आप लड़ नहीं रहे हैं, 25 में चुनाव है बिहार में विधानसभा, तो 26 वाला जो जन्मदिन होगा मनीष एक विधायक या मंत्री के तौर पे मनाने जा रहे हैं, और अगर हाँ तो वो सीट कौन सी होगी, जनता जानना चाहिए। जी लड्डू वड्डू है, घी वाला लड्डू जो है उनको दिया जाए, खिलाया जाए, और भगवान की जनता देखिए सीट तो जानना चाहेगी, भगवान करे कि आपके मुंह में घी वाला लड्डू। चलिए ठीक है, और मैंने क्या बोला कि अभी जो बुमराह जी की बहन जो है जो बाउंसर मारा था मुझे, तो मैंने बोल दिया कि कुछ चीज़ें जो है भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी जो है फल देने का काम जो है ऊपर वालों के हाथ में है और भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूँगा। अगर इजाज़त हो तो एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। अरे बिल्कुल इजाज़त है। पढ़े लिखे लोगों के पीछे चलिए, आपने अभी इंटरव्यू में कहा, हाँ, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता जो देश में खुद को मानते हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, मोदी जी की डिग्री पर भी सवाल उठाते हैं,
तो आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो खुद ये कौन सा जनरल नॉलेज के किताब में लिखा वो खुद कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ। वो खुद आईआरएस ऑफिसर भी हैं हाँ। अब मोदी जी की डिग्री पे सवाल भी उठाते हैं कि ग्रेजुएशन है इनके पास नहीं मांगते भी हैं देखिए उन पे आप क्या कहेंगे जरा केजरीवाल जी जेल में हैं और कोई अगर जेल में बंद है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जेल का दर्द झेला हूँ क्लियर मैं बोल देना चाहता हूँ देखिए मैं मेरा थोड़ा सा दूसरे टाइप का है अगर मैं अभी बोलूँगा उनको कुछ उल्टा सीधा हालांकि उनको जो उन्होंने जो काम किया वो काम उनको नहीं करना चाहिए था जिसका सजा वो भुगत रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उनके परिवार की मनोदशा समझ सकता हूँ उनकी मनोदशा समझ सकता हूँ तो मैं इस पर नो कमेंट्स केजरीवाल जी दुख में हैं और दुख में दुश्मन पे भी वार नहीं करना चाहिए तो केजरीवाल जी तो दुश्मन नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये चीज़ है तो नो कमेंट्स बाहर रहते तो मैं बोलता एकदम 100% बोलता कि शराब घोटाला जो हुआ वो दिल्ली में वो गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए दिल्ली के लोगों के विश्वास के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो गलत हुआ वो बाहर रहते तो मैं ये बोलता लेकिन वो अंदर है अभी तो जल्दी से जल्दी वो भैया बाहर निकल जाए मैं तो यही कहूँगा ये चीज़ है। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में आप गए थे और होटल में कुछ हो गया था वही था ना मतलब रूम वूम को लेकर कुछ बात हो गई थी आपने एक वीडियो बनाया था कि मैं योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में हूँ अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो। हाँ तो फिर होटल के लोगों पे कार्रवाई भी हुआ बुलडोजर चला था क्या वहाँ पे नहीं 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 क्या हुआ क्या हुआ था कि हम लोगों ने होटल एप्लीकेशन के थ्रू बुक किया था और वहाँ पे गए तो रात में एक तो दो ढाई तीन बज रहा था तीन बजे तो हम लोग पहुँचते हैं तीन बज रहा था उसमें टाइम वाइम भी बताया तो उसने बोला कि इतना पैसा नहीं इतना पैसा लगेगा हम बोले कि भाई कैश हमारे पास है नहीं एटीएम से ले लो तो बोल रहा था स्वैपिंग मशीन नहीं है हमें कैश चाहिए तो हम बोले कि भाई हम मतलब कि इंसल्ट हो जाता है ना आपके साथ जो है आपके लोग हैं तो मैं अपने लोगों से पैसा मांगे उसको दे दिया बोला कि रात में सोना है भाई सोने दो सोया फिर सुबह मैंने सवाल किया कि भाई तुमको पैसा चाहिए था तुम एटीएम से पैसा ले लेते हमारे स्वैपिंग मशीन से उसको तब पता था मनीष कश्यप से बात कर नहीं नहीं रात में तो मैं उसको नहीं पता था सुबह पता चला तो फिर उसने मतलब कि अपना सफाई पेश किया ये चीज़ें ऐसा होता है भारत में जो है ऐसा बहुत होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके वीडियो में एक नेता बड़े हीरो की तरह दिखे मैं चाहता हूँ कि आप उन पर बोलिए योगी आदित्यनाथ पर आप बहुत बोलते हैं और आपका कहना है कि पिछले 8 सालों में यूपी की तस्वीर उन्होंने बदल दी है। कौन से फ्लोर पर बैठे हैं अभी तो हम लोग 13वें फ्लोर पर बैठे हैं 13वें फ्लोर पर बैठे हैं मीडिया का सारा हेड ऑफिस जो है नोएडा में है ज़्यादातर मीडिया का सही है कि नहीं अगर ये सारा हेड ऑफिस यहाँ से उठ के कोलकाता में चला जाए तो क्या स्थिति होगा ममता बनर्जी क्या करेंगे केरला में चला जाए तो क्या होगा तमिलनाडु एमके स्टालिन के स्टेट में चला जाए तो क्या होगा आप यहाँ पे बैठ के यूपी योगी जी के प्रदेश में बैठ के योगी जी पे सवाल उठा सकते हैं आपको पूरी आज़ादी है कि नहीं है। योगी एक अलग प्रकार के आदमी हैं योगी मोदी जी के गुजरात मॉडल को अपना के यूपी को आगे बढ़ाए आपने देखा होगा मोदी जी के साथ काम करके जो है यूपी को आगे बढ़ाए वैसे नेता की सख्त ज़रूरत है और वैसे नेता अगर किसी स्टेट के सीएम है तो ये गर्व की बात है। योगी का एकदम स्टैंड क्लियर हमेशा रहता है तो हम लोगों को योगी जी बहुत पसंद है। बिहार में नीतीश कुमार ठीक है योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की ज़रूरत है राजनीतिक बातें करूं या सीधे कट टू कट कट टू कट करिए मनीष कश्यप पे योगी जी नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे हैं देख लीजिए बाद में आप कहिएगा आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं कट भी मत कीजिएगा कट भी मत कीजिएगा योगी जी बहुत अच्छे कैसे मतलब किस मामले में आप बताइए किस मामले में खराब है नहीं मैं तो मतलब मेरी एक अपनी राय होगी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ एकदम बिल्कुल धर्म को समझते हैं अपने राज्य के लोगों को समझते हैं राज्य को समझते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही करके रखे हैं आज़ादी दी है यूपी में यूपी के लोगों को देश के लोगों को तो बहुत बड़ी बात है। योगी जी जो है नो डाउट वर्तमान समय में इस समय में एक अच्छे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से एक है सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से एक है। बिहार में वैसी राजनीति आपको लगता है कि ज़रूरत है उसकी एकदम बिल्कुल ज़रूरत है एकदम बिल्कुल ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी मुझे पसंद है ऐसा नहीं है कि मैं नीतीश कुमार जी से नफरत करता हूँ
मैं जेल से निकलने के बाद मैं ये बातें अनेकों वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। नीतीश कुमार जी बेदाग छवि के हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। आज तक किसी मीडिया में चला भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी का ये घोटाला में नाम आया या किसी चीज़ में। ठीक है, नीतीश कुमार जी मीडिया को पूरी आज़ादी भी देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक स्टेट को कैसे चलाया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, इस स्थिति में अगर तुलना करेंगे तो योगी जी नीतीश कुमार जी से बहुत आगे हैं। जब मैंने तेजस्वी की बात की थी तो आप बोल रहे थे कि तेजस्वी ने नौकरी नहीं दी है, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव। क्लियर करें, अगर नौकरी पे क्रेडिट लेना है तो क्लियर करें, मनीष कश्यप को जेल उन्होंने ही डलवाया, क्लियर करें, वो खुद क्लियर करेंगे, उसके बाद मेरे से ये सवाल पूछिएगा। मतलब मनीष कश्यप को जेल किसी और ने डलवाया और नौकरी पे क्रेडिट वो ले रहे हैं, वो कौन से मंत्री थे भाई? कैसे ये लॉजिकली बातें मीडिया में, कैसे ये लॉजिकली बातें चलता है? कौन से मंत्री थे, कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे, क्या थे पता है? क्या थे? पथ परिवहन मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने रखा था, स्वास्थ्य मंत्रालय में कितना वैकेंसी आया, रोड डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी आया, पथ परिवहन में कितना वैकेंसी आया, आप बताइए, लिखा दिखाइए इधर। जी मारिए जी गूगल पे सर्च, भैया क्या नाम है आपका, मारिए कितना वैकेंसी आया उनके डिपार्टमेंट में, कितना वैकेंसी आया, क्या ये देखिए, यही चीजें है ना। हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो इन सब चीजों को जो है सही ढंग से जवाब दे सकते हैं। आप बताइए ना, तेजस्वी जी खुद बता दे, ट्विटर पर ट्वीट करें कि उनके डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी आया। मैं बताता हूं, उनके डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बिहार में भ्रष्टाचार उन्हीं के डिपार्टमेंट में हुआ, जब थे पुल गिर गया हवा में, उनके द्वारा जो है सुपौल का भी पुल जो है उन्हीं के समय में जो है शुरू हुआ था, सरकार गिरी उसके 10 दिन बाद सुपौल वाला भी पुल गिर गया, उनके सरकार में जो है खगड़िया वाला पुल गिर गया, भागलपुर वाला पुल गिर गया, और वो अपने डिपार्टमेंट में एक आदमी को नौकरी नहीं दे पाए अपने डिपार्टमेंट में, कहते हैं कि 4 लाख नौकरी हमने दिया, तो बाकी बिहार के सारे मंत्री जो है झक मार रहे थे। कहने का मतलब है कि ये 9वीं फेल जो तेजस्वी यादव जी हैं, यही शिक्षा पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर का एक वीडियो मैं देख रहा था, तो तेजस्वी यादव ने किसी रैली में अभी हाल फिलहाल में ये कहा कि जो है बिहार जो है तीसरे नंबर पे आ गया है डीजीपी में, क्या चीज में, जीडीपी में तीसरे नंबर पे आ गया, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, तो प्रशांत किशोर जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा था कि वो भैया वो तीसरे नंबर पे नहीं आ गया, ग्रोथ रेट में तीसरे नंबर पर है। उनसे जीडीपी का फुल फॉर्म तो पूछ लीजिए ना, पहले फुल फॉर्म तो पूछिए भाई। जहां गए वहां फ्लॉप काम किए, पढ़ाई किए तो वहां पे फ्लॉप हो गए, उसके बाद खेलने आए तो पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज तक नेट पे बैटिंग करते हुए हमने नहीं देखा उनका वीडियो, नेट पे जो दिल्ली डेरल डेविल्स नेट वाला भी सेशन डालती है ना फेसबुक पे, तो उसमें बैटिंग करते हुए नहीं देखा, और जाके बैठ के बोलते हैं हम विराट कोहली के कैप्टन थे, जरा सोचिए। उसके बाद से बिहार के राजनीति में गए, जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ जाती है, चरम सीमा पे बालू माफिया जो है 200-200 राउंड फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, पटना में पार्किंग विवाद में जो है 100 राउंड फायरिंग हो जाता है, 100 राउंड फायरिंग हो जाता है पटना में, इनकी जब सरकार आ जाती है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। और जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म समझते नहीं है, जीडीपी का परिभाषा तक नहीं पता है इनको कि जीडीपी कैसे निर्धारित होता है, ये सब नहीं पता, और बोलते हैं तीसरे नंबर पे आ गए। आपकी बाईं तरफ जो एक नेता खड़े थे जब आपको बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा था, मैं उत्तराखंड में 4 साल मैंने पत्रकारिता की है, हमारे उनके संबंध ठीक है, उनके किसी एक खास व्यक्ति से हमारी बातचीत हो रही थी, तो मुझे ये पता लगा कि बीजेपी ने 2 तरह के सर्वे करवाए थे। पहला सर्वे चंपारण पे हुआ था, आप वहाँ से बीजेपी को हरा दे रहे थे, आप जीत रहे थे या नहीं इस बात पे उन्हें शक था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार रही थी, पहला बीजेपी के झुकने की वजह। दूसरा सर्वे बीजेपी ने यह करवाया था कि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए बिहार के भीतर सबसे बढ़िया हथियार मनीष कश्यप। मैं हथियार नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और बीजेपी किसी को हथियार के रूप में नहीं इस्तेमाल करता है। हथियार शब्द बदल देते हैं, आप एक इंसान हैं, आप मेरे दोनों सवालों का जवाब आप दीजिए। बलूनी साहब, चूंकि चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव आपको ज्वाइन कराने के लिए आप इनके सवाल से बच गए, पर इस सवाल पे हमने बहुत वर्कआउट किया है, मैं ये चाहता हूँ कि आप वो अंदर की बात बताएं कि दो घंटे से ऊपर हो गया ना, तो मैं अगली बार जो है मैं अपनी माँ को भी लेके आऊंगा यहाँ पे, और जब मैं जेल में था, सुनिए, मैं ठीक है,
मैं जब जेल में था तो आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा रिपोर्टिंग मेरे ऊपर किया था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं जेल से निकला, वो सारी वीडियो देखा। मैं कह दूँ जेल के अंदर देखा तो एक और FIR हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। जेल के अंदर लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए, हर कैदी को कम से कम 2 घंटा जो है ये दिया जाना चाहिए कि जाओ गूगल यूट्यूब फेसबुक देखो, दिया जाना चाहिए। अकाउंट नहीं बना सकते हो, तुम कुछ बना नहीं सकते हो, लेकिन जाके देख सकते हो, इस प्रकार का व्यवस्था दिया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं जेल से निकला तो थोड़ा सा तो बोलने तो दीजिए। तो मैं आप लोगों का वीडियो देखा, बहुत अच्छा आप लोगों का वीडियो था, सवाल भी बहुत अच्छा है, अगले वीडियो में जवाब। मैंने एक वीडियो बनाया था, देखिए एक वीडियो बनाया था, मैं जब जब तेजस्वी का सवाल सामने से पूछ रहा हूँ लग रहा है कि आप वहाँ से उठ के आएंगे मुझे पकड़ लेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था तेजस्वी यादव को, वो लगभग 2 मिलियन हमारे यूट्यूब पर गया था और 20 मिलियन फेसबुक पर। आप लोगों का तो मतलब कि भौकाल है, वॉइस ओवर में मतलब आप लोगों से आगे कोई नहीं है। मैंने वो मेरा टोटल वीडियो 22 मिलियन लोगों तक पहुँचा था, 2 करोड़ 20 लाख होता है आप जानते हैं मिलियन। उसमें मैंने कहा था कि 1 करोड़ वोट का नुकसान हो गया तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप को हाथ लगाने की वजह से, आपको पता है? मैंने वो वीडियो देखा, देखे थे ना आप? उसमें लॉजिक था कि नहीं था? एकदम बिल्कुल लॉजिक था, और अब ज़्यादा का नुकसान होगा उनको। मैं यही चीज़ कहना भी चाहता हूँ कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं कल को पत्रकारिता कर रहा हूँ, कोई कल को मेरे को आए कोई उठा ले बोले आपने सवाल क्यों पूछा, तो इसीलिए मैंने शुरुआत किया कि जब सच्चाई ज़मीन में कोई गाड़ने की कोशिश करेगा ना, तो एक वक्त आता है लोकतंत्र में जब वो सच्चाई को बाहर निकालने वाले लोग भी आते हैं। मनीष, मैं ये चाहता हूँ आप उन लोगों के बारे में बोलिए जिन्होंने आँख बंद करके आपको हीरो माना, हीरो बनाया, माँ बाप तो होते ही हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया कि आज मनीष कश्यप, देखिए माँ के आशीर्वाद के कारण जेल से निकला, मैं इस बात को मान सकता हूँ, लेकिन मनीष कश्यप आज इस कुर्सी पे बैठा है उसके पीछे उन लोगों का आशीर्वाद, प्यार और बे इंतहा मोहब्बत है, जो लोग मुझे पर्सनली कभी मुझसे मिले भी नहीं हैं और फिर भी मेरा समर्थन करते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा और मेरे से जितना हो सकेगा मैं लोगों की मदद करता रहूंगा, बस मुझे मौका दीजिए। कम से कम 5 महीने का, एक सरकार को हम लोग 5 साल का मौका देते हैं, एक मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर से जो है पॉलिटिक्स के फील्ड में आए, राजनीति के फील्ड में आए, कम से कम 5 महीना तो मौका दे सकते हैं, और उसके बाद से अगर मेरे से कुछ गलती होगा तो आप लोग जो है मेरा विरोध कीजिएगा, लेकिन अभी जो है जैसे आप लोग प्यार पहले करते थे वैसे ही प्यार करते रहिए। भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के सारे उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। बहुत से लोग आपके चाहने वाले ये कह रहे हैं कि BJP में जाना आपका फैसला गलत था। नहीं, फैसला मेरा गलत नहीं है, और वो जो लोग कह रहे हैं कि जाना गलत था तो वही लोग कहते, वो आपके अपने लोग हैं ना, वही लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे देती तो ज़्यादा अच्छा होता, वो लोग एक सांसद के रूप में मुझे वहाँ पे देखना चाहते हैं, मैं उनके उनका सम्मान करता हूँ, अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते, उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, लेकिन भरोसा भी दिलाता हूँ कि आप लोगों को इस फैसले पे एक दिन गर्व होगा, कम से कम 5 महीना मौका दीजिए। बस 2 सवाल और बचे हैं, हमारी जो हमने जो आप पे जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक, आपकी अपनी जानकारी होगी मेरी अपनी जानकारी है, आप बहुत जल्द विधानसभा के भीतर दिखने वाले हैं, वो कौन सा विधानसभा होगा ये थोड़े समय बाद तय होगा, आप चुन कर जाएंगे या भेजे जाएंगे ये भी थोड़े समय बाद तय होगा, उसको विधान परिषद, विधान परिषद आप सदन में जाएंगे। देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जो है सरकार से जुड़े रहते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो है ये जो सारे लोग हैं वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं मुझे आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। हमारी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं हमेशा सटीक रही, जब आप जेल में गए, जेल में उस समय भी आप लोगों ने चला दिया था वीडियो, किससे मिलते और किसी क्या बात होती थी, मैं यहाँ बैठकर उसे चलाता था, सही थी इन्फॉर्मेशन या नहीं थी? एकदम सही था, मनोज तिवारी की मुलाकात वाली जो, हाँ वो एकदम सही था कि BJP के एक बड़े नेता जो है मिलने गए, आप दोनों में क्या बात हुई थी ये भी हमने चलाया था, अब शायद से मनोज भैया बता दिए होंगे आपको। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो फ़ोन करके बता नहीं सकता था, वो तो लालू जी को उतना पावर था कि जेल के अंदर से जो है फ़ोन करके जो है सरकार बनाते थे बिगाड़ते थे, लालू जी ने बोला था ये बात ऑन कैमरा मीडिया में बोला था कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री हमने बनवाया, मैं जेल में बंद था और फ़ोन किया और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री मैंने बनवाया, तो वो उनका पावर है, मेरा उतना पावर नहीं था कि मैं जेल से के अंदर से फ़ोन करूँ और बात करूँ, तो बस आपकी जानकारी जो है कहाँ से आती है कहाँ से नहीं,
ऐसे मंगल ग्रह पे कोई सैटेलाइट लगाए होंगे और वहां से आती होगी आपको सारी जानकारी। मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट बनाकर दिखाऊंगा कि इनकी बाईं तरफ जो व्यक्ति खड़ा था वो बीजेपी का बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है अभी, और बलूनी साहब के बगल में खड़ा होना ये बात मुझे बहुत गहरी लगी है, इसका मैसेज बहुत दूर तक चोट लगा है कि मतलब गहरी लगी, मतलब जो एंट्री हुई है ना, जो सवाल इन्होंने अधूरा छोड़ा था प्रकाश जी ने, वो सवाल अभी पूरा होगा बलूनी जी के उस प्रश्न के साथ जो आप जिस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। मैं उस पर आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप बोलिए जबरन, लेकिन मैं अपने दर्शकों को वो समझाऊंगा कि मनीष कश्यप की कम से कम नहीं तो लाखों लोग हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं भैया वीडियो बना दो क्या, समझ रहे हैं आप। तो इंटरव्यू में अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो फिर से ये कितना पेज है, मैं खड़ा हो सकता हूँ ना? नहीं नहीं अभी ये एक अभी दो दो प्रश्न का बाकी है, देखिए ये देखिए बाप रे बाप इतना बड़ा एक तो शुभांकर, अरे ये तो हाँ नहीं है नहीं कैसे नहीं है, क्या बात करते हैं, बाप रे बाप ये देखिए टोटल 47 सवाल थे, ये देखिए बाप रे बाप 42 43 44 45 46 47, और उसके बाद से वो हमारी बहन का भूमरा, क्या नाम है आपका? अंशिता भूमरा का मतलब कि यॉर्कर बॉल, वो क्या अंशिता श्रीवास्तव, वो तो गलती से, लेकिन एक्चुअल में हैं तो आप जसप्रीत बुमराह के ही बहन यॉर्कर। तो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से आगे निकल कर आता, निकलना चाहिए मिडिल क्लास नहीं, गरीब फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली से निकलना चाहिए, और वैसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, वैसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि भाई तुम एक साल तुम्हें मौका देते हैं तुम करके दिखाओ, दो साल तुम्हें मौका देते हैं, वैसे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। नेपोटिज्म से कोई अगर हाँ निकलता तो उसकी रिस्पेक्ट, मेरा कोई परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में कभी रहा नहीं है, और ना ही मैं धनाढ्य परिवार का हूँ, और ना ही मैं पावरफुल परिवार का बाहुबली परिवार का हूँ, सिंपल सा मेरे पिताजी आर्मी में अभी के समय में जो है 40-45 हज़ार रुपया उनकी सैलरी होगी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय 20-22 हज़ार रुपया सैलरी, तो उस परिवार से मैं निकला हूँ, उस परिवार से। तो ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाए फिर भी उनको डांट डपट लगा के जो है ना, और फिर मौका दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को, तब जो है हमारे सोसाइटी से, हम जाति से नहीं बोल रहे, हमारे सोसाइटी से मिडिल क्लास से और गरीब परिवार से जो है बहुत सारे लोग आगे आएंगे। तो मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब आप नेता बन गए हैं, पता नहीं बड़े नेता बन जाएं जल्दी हाथ आएंगे नहीं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि मैंने आपके लिए कुछ तैयार कराया हुआ है, जब ये सेशन ख़त्म होगा आपने ग्राउंड पे बहुत रिपोर्टिंग की है, स्टूडियो से कभी आप एंकर नहीं बने, इसीलिए मैंने कुछ बनवाया हुआ हूं। नमस्कार मैं हूं मनीष कश्यप, आप आज न्यूज़ पढ़िए और बिहार के लोगों के लिए पढ़िए एक न्यूज़। दूसरी टेलीप्रॉम्प्टर पे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं नहीं टीपी आपको थोड़ी ना मिलेगी, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिलेगा वो बंद है आपको, आप बिहार के लोगों के लिए एक न्यूज़ पढ़िए स्टूडियो से, वो हम चलाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते। दूसरा एक आपका रैपिड फायर होने वाला है, जिन जिन सवालों पर बच गए हैं आपको बचने नहीं दिया तो फिर दूसरी बार मैं आ जाऊंगा अभी जो है एक जगह मुझे जाना है, इस इंटरव्यू को यही खत्म करते हैं। बस सवाल इतना है कि सियासत में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कब किसको सुई और तलवार बना देना है, बारी मनीष कश्यप की है, पहले कुछ नेताओं ने इनको सुई समझकर दूर हटाने की कोशिश की, फिलहाल इनमें तलवार इतनी ताकत है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मनीष कश्यप से कौन से सवाल छूट गए कमेंट में बताइएगा, अगली बार मनीष कश्यप और उनके साथ उनकी माँ स्टूडियो में होंगी ढेर सारे सवालों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।